सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स एंड ऑल द वैलेंट लवर्स, स्वागत है आप सभी का स्कोर कॉलेज गेमिंग क्लब में। टुडे वी आर एट अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा एक्सक्लूसिवली होस्टिंग SCGC वैलेंट टूर्नामेंट फॉर आर स्टूडेंट गेमिंग क्लब। हमारे साथ यहाँ पे वी हैव आर ब्रांड पार्टनर्स वेर इंटेल हैज सपोर्टेड अस विद टॉप ऑफ द लाइन हार्डवेयर, माउंटेन ड्यू इज आर बेवरेज पार्टनर, नेटवर्क इज सपोर्टेड बाई टीपी लिंक विद टॉप ऑफ द लाइन पेरिफेरल्स, एंड हमारे इनवॉलेट पार्टनर वी हैव टैप टैप पावर्ड बाई वीजा। मेरा नाम है एंकी शॉट्स, मेरे साथ यहाँ पे मेरे कोकास्टर जुड़ चुके हैं स्केडियट, एंड हम लोग यहाँ पे आज का जो मैच होने वाला है बेस्ट ऑफ थ्री का, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे रंग डालने की कोशिश जो है वो करेंगे, एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैच को एक बढ़िया लिसनिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। ये इवेंट SCGC पे बहुत मैसिव लेवल पे किया जा रहा है, एंड एक बार हम लोग बढ़ना चाहेंगे प्राइस पूल की तरफ। Absolutely, हम देखेंगे प्राइस पूल को यहाँ पे। बहुत ही बहुत शुक्रिया अच्छे से स्वागत करने का, एंड प्राइस पूल यहाँ पे बहुत मैसिव होने वाला था। इसका नेबी ऑफ 10,000, एंड जो MVP रहेगा उसे एक C80 वाईफाई राउटर भी मिलेगा टीपी लिंक की तरफ से। एंड प्राइस डिवीजन अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट प्लेस को मिलेंगे 5,000, सेकंड प्लेस को 3,000, थर्ड प्लेस को 1,500, एंड MVP को अलग से 5,000 का भी खिताब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और प्राइस पूल जैसा कि बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन यहाँ पे हमें स्केडेट की तरफ से देखने को मिला। अगर बात की जाए मैप वीटो की, कौन से मैप्स आज खेले जाने वाले हैं, या आप लोगों का दर्शकों का सवाल जरूर होगा, तो चलिए बढ़ते हैं मैप वीटो पे, जहाँ पे आज बेस्ट ऑफ थ्री के मुकाबले के लिए तीन मैप सेलेक्ट किए गए, हेवन, स्प्लिट और एसेंट। शुरुआत होगी हेवन मैप से, जो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 9 का सिलेक्शन रहेगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे स्प्लिट पे। तो हेवन और स्प्लिट आज बिल्कुल खेला जाने वाला है, एंड स्प्लिट को सेलेक्ट किया टीम 1-2-4 ने। उसके बाद तीसरा मैप जो है वो एसेंट का रहने वाला है, जिसको अगेन मैप डिस्ट्रिक्ट 9 ने यहाँ पे इस मैप का चुनाव किया। एंड अगर आप लोग, हम लोग यहाँ पे टीम से भी रूबरू होना चाहें, अगर टीम्स, अगर हम, मैं टीम्स की बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट 9 और टीम 1-2-4। वेल, मुझे लगता है कि अगर गेम रेडी है तो चलिए हम सीधे गेम की तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज हमसे अब इंतजार बिल्कुल भी नहीं हो रहा, एंड आई होप एज अ दर्शक आप लोग भी यहाँ पे वेट कर रहे हो कब यहाँ पे गेम चालू होता है। हेवन का पहला मैप रहने वाला है, तो चलिए बढ़ते हैं सीधे मैप की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके का, कौन से एजेंट सबसे पहले यहाँ पे प्लेयर्स सेलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपकी तरफ से कि व्हाट डू यू थिंक, कौन से एजेंट्स के साथ प्लेयर्स खेलेंगे? आई पर्सनली फील लाइक कि हो सकता है कि एक टीम स्टैंडर्ड कॉम की तरफ भी जाए, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो आजकल जो भी मेटा चल रहा है, दैट्स ऑफ डबल डुअलिस्ट कॉम्पोजिशन, जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत एग्रेसिवली टीम्स जाके खेलती हैं, दे ट्राई टू प्रीएम्प्टिवली टेक दोज फाइट्स एंड यू नो ट्राई टू गेट एग्रेसिव, गेट एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल, एंड सरप्राइज करता है वो अपने ओपोनेंट को। सो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट रेज या जेट, अगर दोनों ही मुझे एक टीम के अंदर दिख गए सो मैं उतना ज्यादा सरप्राइज नहीं होंगे, वो चीज देख के मुझे खुशी बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज Of course, I really like playing those, you know, quick, fast attacks. I love seeing that. जी बिल्कुल, और यहाँ पे अगर आप बात करें डबल ड्यूलिस्ट कॉम की, तो जेट और रेना का सिलेक्शन हमें देखने को मिल जरूर है। देखिए कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल कास्टिंग करते हैं, आप बड़े बड़े टीम के नाम ले लीजिए, इन सबको कास्ट करते हैं, हमें पता होता है कि वो कौन से एजेंट्स के साथ जाना चाहेंगे। लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स की जब भी कास्टिंग करने की बात आती है, खासकर SCGC में, तो एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ये स्टूडेंट्स, एक कहावत होती है ना कि अपना मुंह ऐसा रखो कि खुद को भी ना पता हो ताकि ओपोनेंट को भी पता ना चले, तो वो वाला चीज है कि हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यहाँ पे ये क्या एजेंट्स के साथ खेलने वाले। अब देखिए जेट लॉक हो चुके हैं, रेना जा चुके हैं, एंड जो आखिरी प्लेयर है उनको नियॉन खेलने का मन कर रहा है, तो क्या यहाँ पे ट्रिपल डोलिस्ट के साथ ये टीम खेलेगी? मे बी सेंटिनल्स और एक इनिशिएटर ले लिया जाएगा और हमें स्मोक्स देखने को ना मिले, वी नेवर नो, क्योंकि ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं एंड ये कुछ भी कॉम्प लेके आते हैं, एंड मजे की बात, दे कम, दे कॉन्कर एंड दे गो अवे, वो जीत भी जाते हैं। वेल, हेवन का मैप जो है वो शुरुआत हो चुका है, एंड यहाँ पे एजेंट सिलेक्शन जो है आप ध्यान से देख सकते हो, एस्ट्रा हमें दोनों ही टीम्स में देखने को मिल रही है। आई थिंक दिस इज अ रेप्लिका, ये एक टीम का बिल्कुल ठीक हमें अपोजिट देखने को मिल रहा है, हालांकि एक स्काई के चेंजेस एंड स्काई वर्सेज आई कैन सी रेना। वेल, लेट्स सी कि कौन सी टीम किस पे भारी पड़ती है। दोनों ही टीम्स के पास यूटिलिटीज के नाम पे काफी अच्छी यूटिलिटीज भी हैं, स्मोक्स उठा लिए हैं एस्ट्रा, दोनों टीम के पास है, बट अगेन अगर एस्ट्रा किसी टीम में पिक ऑफ हो जाती है तो उस टीम को बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होगी, स्पेशली अर्ली फेज के अंदर। हम देख रहे हैं डबल ड्यूलिस्ट कॉम्प ऑलरेडी हमारे सामने आ चुका है, सो ऑफकोर्स काफी ज्यादा चांसेस है कि वो टीम थोड़ा एग्रेसिवली खेलेगी, अगर जेट या रेना में से एक पिक ऑफ हो भी जाते हैं उसके बाद भी उनको बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा। तो आई पर्सनली फील लाइक कि एस्ट्रा को थोड़ा सा सेफ जरूर खेलना पड़ेगा, एंड वहीं पे अगर हम बात करें कि कौन सी टीम अच्छे से इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकती है, तो कहीं ना कहीं स्काई की यूटिल उन क्लोज कॉर्नर्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, और वहीं अगर हम देखें तो सोवा के साथ आपको थोड़ा सा सेफ कंपैरेटिवली खेलना पड़ जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर शूटिंग दोज डार्ट्स उस टाइम पे आप उन यू नो एज कंपेयर टू स्काई आप काफी ज्यादा वल्नरेबल भी होते हो, तो ये सारी चीजें
मुझे देखने की हमें जरूरत जरूर पड़ेगी, इस पॉइंट पे देखना जरूर रहेगा कि हाउ दीज टीम्स आर एक्चुअली गोइंग टू पुल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ अटैक्स, क्योंकि मिश्रण की हम जहां बात करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. यू नीड टू हैव दोज क्विक अटैक्स एंड यू ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू प्ले दोज सेफ यू नो प्लेस वेर इन यू गो एंड प्लांट इन द लास्ट 30 सेकेंड्स और लास्ट 45 सेकेंड्स. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो ब्रेक डाउन किया बिल्कुल सही था. अभी के लिए हम लोग यहाँ पे अगर सेटअप्स की बात करें, केजे इज रेडी. एक चीज़ जब भी हम लोग किलजॉय खेलते हैं तो एक चीज़ किलजॉय के साथ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इट्स फन. आप टरेट के साथ ठीक टरेट के बाजू में बैठ जाइए एंड जैसे ही कोई टरेट को शूट करेगा, पिस्टल राउंड्स में खासकर, क्योंकि पिस्टल राउंड में पिस्टल होती है आपके पास और उतने हैवी डैमेज नहीं हो पाता कि आपका टरेट एक या दो बुलेट में डाउन हो जाए, तो उस टाइम तो ये चीज़ करने में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. एंड जैसे ही कोई आपके टरेट को शूट कर रहा है, इंस्टेंटली आप पीक आउट करो और उस प्लेयर को डाउन करो. बहुत ही रैड प्ले है, बहुत ज़्यादा चीप प्ले है, लेकिन हमेशा बहुत ज़्यादा काम करता है. इट इरिटेट्स योर ओपोनेंट्स. एंड देखिए, जितना ज़्यादा गेम ये आपकी स्ट्रैटेजी और एम और मैकेनिक्स का है, उतना ही ज़्यादा मेंटल भी है. तो आप नाइफ कीजिए, आप अपने ओपोनेंट को टी बैग कीजिए, जितनी चीज़ें आपकी तरफ से हो सके सारी की सारी कीजिए, ताकि उनका मेंटल डिस्टर्ब हो एंड आप मेंटली भी इस गेम को जीतने की अपनी तरफ से कोशिश कर सकते. बिकॉज अगेन, रिजल्ट मैटर करता है, गेम आपको जीतना है चाहे वो आप कैसे जीतना. छोटा सा टाइम आउट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे एंड आई थिंक टाइम आउट के बाद जल्द ही हम वापस आ जाएंगे. एब्सोल्युटली, बिकॉज वी वांट द कंपटीशन टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, तो इसलिए थोड़ा सा और इंतजार है. एंड हमें पता ही है, जैसे कि हम बात करते हैं, ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम, तो पेशेंस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. एंड जैसा कि आपने कहा कि केजे टरेट के साथ वाला वो जो प्ले होता है, वो एक चीकी प्ले जो होता है, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेड ऑन हाउ पेशेंट द किल जॉय इज. तो वही वो टरेट के साथ में आराम से बैठे रहे, वेट करो. आप चाहे तो फिगर आउट भी कर सकते हो कि कितने ओपोनेंट्स है. अगर आपको दिख रहा है कि यस, दो या तीन लोग अलग अलग गन्स लेके फायर कर रहे हैं, मे बी अ गोस्ट, पॉसिबली अ शेरिफ एज वेल एज अ फ्रेंजी, आपको इन्फॉर्मेशन ग्राब हो जाती है. उसी इन्फॉर्मेशन का फिर आप अलग तरीके से भी फायदा उठा सकते हैं. सो द टीम हु विल बी अ लिटिल मोर पेशेंट दैन द अदर वन माइट गेट एन अपर हैंड इन दीज सिचुएशंस. एंड जैसे कि आपने बात करी, माइंड गेम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज मैक्रो एंड माइक्रो बोथ ऑफ देम कम इन टू प्ले, वेर इन द मेन जॉब ऑफ IGL इज टू फोकस ऑन दैट मैक्रो. आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी साइड हिट करनी है, कहाँ पे फेक करना है, वाइल माइक्रो प्लेयर्स में हम बात करते हैं प्लेयर्स के 1v1 एंड वो कैसे अपने ओपोनेंट से वो फाइट जीतते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. एंड आई थिंक यहाँ पे शायद ये जो टाइम आउट है वो हटने वाला है. एंड गेम देखिए, जितना ज़्यादा हम एज अ कास्टर, एज अ ऑडियंस आप लोग बेताब हो, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे ऑडियंस, ये जो प्लेयर्स हैं वो भी बेताब है. देखिए सुबह ऑलरेडी उस लाइनअप में जा चुके हैं, ये इज़ रेडी कि बस टाइम आउट हटे, टाइमर हटे एंड हम यहाँ पे गेम खेलना शुरू करें. एग्जैक्टली. I was kind of expecting a tether nade combo, fade or raise ka jo combo chalta hai long pe. You throw that towards that house and room and आप पिक ऑफ कर लेते हो सीधा, एक अर्ली सरप्राइज कर देते हो अपने ओपोनेंट को. वो ये चीज अभी देखने को नहीं मिलेगी इस गेम के अंदर. तो हाँ, वो कॉम्बो एक्चुअली बहुत ज़्यादा, अगेन हर मैप पे वर्क करता है, इट डिपेंड्स कितने अच्छे प्लेयर आप हैं, कितने अच्छे आपके कॉम्स हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा स्केडेट अगर मैं आपको बताऊं तो वो लोटस, जो कि सबसे नया मैप है, उस पर वर्क करता है, जहाँ पे ए साइड को आप अगर ए साइड के एंट्रेंस को देखो, वहाँ पे आप एक साथ सीज भी डाल दीजिए, पेंशल भी डाल दीजिए एंड उसके बाद जो प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर पाते. बिकॉज ए साइट पे अगर आप देखिए तो प्लेयर्स काफ़ी तेज़ी से आते हैं, उसमें एक ना एक प्लेयर फंसना ही है एंड उसके बाद वो जो किल होता है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है. वेल, तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं हम, आप जब एग्जैक्टली वही अभी चीज देखेंगे कि वो कैसे बढ़ेंगे आगे इस सिचुएशन में. बिकॉज फेट तो हमें दोनों ही कॉम्पोजिशन से नहीं देखने को मिली है, लेकिन वही एक मैं कहना जरूर चाहूंगा कि ग्रेविटी भी एक टाइप से आपको एक जगह पे थोड़ा कंट्रोल तो करने की कोशिश करती है. तो वो एक सिचुएशन अगर बनाने में कामयाब हो जाते हैं एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ एंड उसी टाइम पे अगर स्विंग भी लेते हैं उनके टीम मेंबर्स, तो एक पिक ऑफ मिलने के कंपेरेटिवली ज्यादा चांसेस हो जाते हैं. बट देन अगेन, इट ऑल कम्स डाउन टू द कोऑर्डिनेशन एंड द कॉम्बिनेशन बिटवीन दीज प्लेयर्स. How well their synergy is. तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि आप अपने माइक्रोस को किस तरीके से खेल रहे हैं. बिकॉज यस, शोल्डर पीक भी देना और लेना जरूरी है, क्योंकि उसमें आपको इन्फॉर्मेशन ग्राब करनी होती है. अगर आपको लग भी रहा है कि सामने वाला शायद ऑपिंग कर रहा होगा इस एंगल पे, तो आप एक फुल पीक तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते. सो दीज माइक्रो प्लेज दे ऑल कम इन टू प्ले एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली दीज टीम्स अडेप्ट. इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा.
जी बिल्कुल। और हेवन का ये मैप है सिक्स कैडेट। इस मैप पे इनिशिएटर्स की अगर हम लोग बात करें, बिकॉज कंट्रोलर के लिए हमने देख लिया दोनों ही जगह एस्ट्रा है। एस्ट्रा एक समय था जब वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटर्स में इनकी गिनती होती थी, अब भी हैं लेकिन थोड़ा सा इनको नर्फ किया गया। एंड जैसे कि अब हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट सारे एजेंट्स जो वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड थे वो अब किसी चीज़ में नहीं रही है। आपको स्किल्स की बिल्कुल ज़रूरत पड़ने वाली है। हम जब बात करते थे कि रेज की अल्टीमेट आप लेके बस दौड़े एंड कहीं भी आपने मार दिया दो बंदे मर गए, आज आज की स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। चेम्बर आपने इनिशियली आपने आगे टीपी लगाया, एक पिक निकाला, नहीं तो फिर भी आपके पास पूरी की पूरी यूटिलिटीज बची हुई है। आज का राइट वो जो सिनारियो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो वही चीज हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि इस मैप पे अगर इनिशिएटर्स की बात करें तो सबसे अच्छे इनिशिएटर्स मैं मानता हूँ कि एक ब्रीच एंड दूसरा यहाँ पे स्काई भी मुझे बढ़िया इनिशिएटर लगते हैं। अब तो फेड भी आ गए खैर, बट ब्रीच वन ऑफ द बेस्ट ऑन दिस मैप। अभी के लिए हमें स्काई देखने को मिलेंगे डिफेंडिंग टीम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके प्लेस देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ऑन द अदर हैंड सोवा, वेल हम सब जानते हैं वन ऑफ द अर्ली एजेंट्स, एंड इनके साथ किसने नहीं खेला। लाइक मैं एक खिलाड़ी हूँ जिन्होंने अपने गेम की शुरुआत ही सोवा के साथ की थी, बिकॉज वेरी इजी टू यूज़। हाँ वो आगे जाके पता चला कि लाइनअप्स एंड ऑल है विच मेक्स हिम वेरी डिफिकल्ट, बट अगेन सोवा भी एक बहुत ही अच्छे इनिशिएटर यहाँ पे। एंड बैकस्टैब यानी कि सेंटिनल का जो काम है, बैकस्टैब देखना, साइड को लॉक करना, उसके लिए किलजॉय, तो कहीं ना कहीं एक हद तक जो एजेंट कॉम्प है वो सेम देखने को मिलती है। हाँ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं जेट स्काई वर्सेस रेना एंड सोवा में, एब्सोल्यूटली। रेना एंड एंड वहीं पे जेट में, आप माय बैड। जी बिल्कुल वहीं पे आपने एक बात भी करी थी कि आपने बताया था कि कोई भी एजेंट अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा ओपी है, दे आर ऑल मोर और लेस लाइक वेल बैलेंस्ड। बिकॉज़ सेंटिनल की आपने बात करी है, पहले चेंबर यूज्ड टू बी अ मस्ट पिक इन ऑलमोस्ट एवरी सिनेरियो बिकॉज़ दिस यूटिलिटीज दैट ही हैड, ही कुड बी ऑन एनीवेयर ऑन द मैप। एंड वो मैप का एक कॉर्नर होल्ड कर रहा है, सेकंड पे उसने अपना ट्रैप लगा रखा है, वहां से वो ट्रैप एक्टिवेट हो गई विद द इंफॉर्मेशन। प्लस we all know tour de force, वो कितनी ज़्यादा, it's more like a proper full on operator which you can literally use without even buying anything, used to help him so much economically, so ये जो nerf उनके ऊपर अभी लगाया गया था, really feel like कहीं ना कहीं जरूरी थे, but थोड़ा सा ज़्यादा nerf कर दिया ज़्यादा हो यार, गया बिल्कुल ही बाहर हो गया वो meta के। and now साइफर के जैसे बफ्स मिले हैं, यू नो उसकी ट्रिप वायर की लेंथ भी थोड़ी सी लंबी कर दी थी, सो और न्यूरल रेफ्ट अब दो बार आपको मार्क करके दिखाएगा लोकेशन कि को। आपका ऑपोनेंट है। यस एग्जैक्टली, सो वो यूटिलिटीज पे जो बफ मिला है, सो वी यूजली सी साइफर्स एज वेल ऑन क्वाइट अ फ्यू मैप्स। एंड वहीं पे अगर मैं बात भी करूँ तो स्प्लिट पे हमें शायद साइफर देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी जैसे कि हम हेवन के ऊपर देख रहे हैं, हेवन की बात कर रहे हैं, डबल डुअलिस्ट कॉम था, मैं कहीं ना कहीं डबल इनिशिएटर भी सोच रहा था, बिकॉज जैसे आपने पॉइंट आउट भी किया, ब्रीच और फेड उन दोनों का इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, यू नो रोलिंग थंडर एंड नाइटफॉल के साथ बहुत बड़ी दिक्कतें क्रिएट करता है वो। जी बिल्कुल, बिकॉज फेड की यूटिलिटीज बहुत ही सही हैं। अगर आप बात की जाए दोनों ही प्रावलर काफ़ी ज़्यादा काम आ जाते हैं एंगल्स क्लियर करने के। उसके बाद अगेन ब्रीच इस मैप पे कुछ होता है ना, कुछ कुछ मैप्स होते हैं जो कि होम ग्राउंड होता है, सो ब्रीच का मैं मानता हूँ कि हेवन बिल्कुल एक होम ग्राउंड है। आप देखो तो तीनों साइड को अगर एक रोलिंग थंडर आता है तो तीनों साइड को आसानी से फ्रॉम प्लेयर्स टू टरेट टू यूटिलिटीज एवरीथिंग विल बी इन द एयर। अगर ब्रीच यहाँ पे अल्टीमेट कर देते हो तो इतना ज़्यादा पावरफुल वो एजेंट है, बट अभी के लिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। सो अगेन स्काई इट्स अ गुड एजेंट। स्काई से सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है, माय बैड, इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। आप अगर सिर्फ फ्लैशेस का इस्तेमाल करते हो एंड उससे अगर आपको साउंड क्यू मिल जाता है विच मीन्स येस प्लेयर्स हैं और एल्स यहाँ पे फेक किया जा रहा है। अगर उस चीज़ को इस्तेमाल ढंग से स्काई की तरफ से किया जाता है तो बहुत ही सेफली स्काई ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह पे प्लेयर्स हैं, कहाँ पे फेक किया जा रहा है, इज इट रियली अ फेक या फिर नहीं। स्काई आराम से इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं। बाइंड में जिस वो बाइंड में स्काई बहुत ज़्यादा कारगर थी एंड ये चीज़ हमने प्लेयर्स को करते हुए भी देखा था, किसी एक साइड पर काफ़ी दूर तक आप लॉन्ग की तरफ से अपने फ्लैशेस को वहाँ पर भेजिए एंड अगर साउंड क्यू आता है विच मीन्स येस बाइंड भी लॉन्ग की तरफ प्लेयर्स हैं और एल्स नहीं है। तो ये कुछ कुछ प्लेज है जैसा कि आप बता रहे थे कि अब हमें देखना ही है वंस द मैच स्टार्ट्स कि हाँ हमने इनिशिएटर्स की, सेंटिनल की, एजेंट की सबकी बात तो कर ली, किसके साथ क्या पॉसिबिलिटी है, किस हद तक पॉसिबिलिटी है ये तो देख लिया, लेकिन अब मैच शुरू होगा तो वो प्लेयर्स किस तरीके से खेलते हुए नजर आएंगे वो हमें देखना होगा।
Exactly, because at the end of the day, it's all going to come down to how well these play in their micros. कितने अच्छे से ये duels लेते हैं, कितने positive situation में ये वो you know अपनी advantage को push करते हैं अपने opponent के ऊपर, and फिर उस momentum का कैसे फायदा उठाता है, because we know that momentum is also very important, and वो momentum को break करने के लिए दो strategic timeouts are also extremely necessary. तो ये सारी चीजें जिनको थोड़ा सा दिमाग में जरूर रखना पड़ेगा. और वहीं कहीं ना कहीं एक और strategy के बारे में भी आपको थोड़ा आगाह करा दूं, बिकॉज वी हैव सीन ऑल द प्लेयर्स गोइंग इन फॉर द फुल शील्ड्स, लेकिन मैं एक टीम को जानता हूं दैट एक्चुअली प्रेफर्स टू बाय हाफ शील्ड्स ओवर द फुल शील्ड्स, एंड नॉर्मली देखा जाए तो उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, टेक्निकली डिसएडवांटेज में रहने चाहिए, बिकॉज दे ओनली गॉट 25 हिट यू नो हिट पॉइंट्स इन ओवर दैट शील्ड. बट जहां पे बात आती है इकोनॉमी की, जहां पे बात आती है अगर अर्ली राउंड्स उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं, सो दे गेट लिटिल एक्स्ट्रा एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ दैट इकोनॉमी. एंड कहीं ना कहीं जिस चीज का हम वेट कर रहे थे सारे लोगों के साथ, वो अभी देखने को हमें मिलने वाला है, बिकॉज आर गोइंग टू गो इनटू द राउंड वन. मैप इज हेवन, लेट्स सी व्हिच टीम गेट्स द विन. जी बिल्कुल, और चलिए अब सीधे मैच की तरफ बढ़ते हैं, जिस चीज का हमें इंतजार था. वेल अभी के लिए ये हिट हमें कराज की तरफ रीना जाते हुए नजर आएंगे, ऑन दी अदर हैंड किलजॉय भी उनका साथ देंगे, एंड सी हिट कि सी सक्सेसफुल हिट यहाँ पे बन चुका है. सी पे बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं है, टेक्निकली रीटेक ही चलेगा सी पे डिफेंडर्स की तरफ से. यहाँ पे गराज की तरफ फाइट जरूर हो सकती है. रेना स्पॉटेड द पर्सन, ड्यूल ली थी, घोस्ट फिनिश ऑफ नहीं निकाल पाए, जस्ट कुछ इरिटेटिंग था. जेट का पहला पिक ऑफ यहाँ पे दो निकाल चुके हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, वो जस्ट फोकसिंग ऑन दैट एंगल. पर वहीं कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा डिफेंडर के जेट किस तरीके से प्ले करते हैं. दैट इज एन इनसेन शॉट विद दैट घोस्ट, ने क्लासिक से अपने ओपोनेंट को शट डाउन कर दिया. यहाँ पे आशा सीधा अंदर आती हुई, लेकिन पीछे से सोवा ने किया धप्पा, एंड यहाँ पे जेट भी फिनिश ऑफ होते दिखेंगे. दैट इज अ लवली अटैकिंग प्ले, बहुत आराम से सी साइड पे गए, एंड आफ्टर प्लांट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट. जी बिल्कुल, एक बहुत ही बढ़िया प्ले. अनफॉर्चुनेटली वी कांट सी एनीथिंग बिकॉज बहुत ही छोटी स्क्रीन दिखाई दे रही है. सो अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब अगर हमें एक बड़ा वैलोरेंट दिखा दें जिससे हम देख पाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा. Oh my God, but seriously, you know, I really want to see big plays like that. जैसे कि हमें पता था सीटी की तरफ से रोटेशन आ रही है, एंड जस्ट हेल्ड दैट एंगल एंड प्रॉपर तरीके से वहां पे स्पैम आता हुआ. फिलहाल रिकॉन डार्ट को बहुत बढ़िया तरीके से अवॉइड करते हुए टीम और जरूर कलेक्ट कर लेंगे वहां पे, पर बी की तरफ मेरे को हिट आता हुआ लग रहा है ये. जी बिल्कुल, पहले सी को यहाँ पे हिट किया गया, एस्ट्रा का बखूबी इस्तेमाल, भरपूर इस्तेमाल देखने को मिल रहा. देखिए प्लेयर्स को यहाँ पे ग्रेविटेबल का इस्तेमाल करके अपनी तरफ खींचा जरूर गया. स्नीक के पास यहाँ पे बुलडॉग रहेगी, बुलडॉग से कुछ निकाला जाएगा, ही बी ट्रेडेड. और जो अभी के लिए सिनेरियो देख के लग रहा है कि अटैकिंग टीम मुश्किल में है, अटैकिंग टीम जो वेपन लेके आए थे वो मुश्किल में है. ऑन दी अदर हैंड एस्ट्रा ने यहाँ पे स्मोक करके किलजॉय ने अपने नैनो स्वॉर्म से थोड़ी देर के लिए प्लेयर्स को पीछे ढकेल के रखा, एंड इसी विंडो में सभी के पास वेपन आ चुके हैं. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल हार्ड. शॉक डार्ट कनेक्ट किए जाएंगे, सिर्फ 4 एचपी पे स्काई बचे हुए, विच मीन्स द मैक्स ही कैन डू नाउ इज फ्लैश. फ्लैशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपोनेंट को डरा सकते हैं, बिकॉज देखिए हमें पता है कि 4 एचपी पे है वो, बट ओपोनेंट्स को नहीं पता. सो उस चीज का ये इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं. किलजॉय ऑन द अदर हैंड एक बहुत बड़े फ्लैंक की तरफ जा चुके हैं, अगर ये फ्लैंक सक्सेसफुल होता है एस्ट्रा विल बी द फर्स्ट प्लेयर जिनको टेक डाउन किया जाएगा, एंड देन इट विल बी 4 एचपी प्लेयर जो जिंदा रहेंगे. एस्ट्रा रेडी जरूर है, लेकिन बुलडॉग का स्प्रे गलत स्प्रे मिस करेंगे, एंड किलजॉय को कामयाबी मिलेगी. जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो 4 एचपी का खिलाड़ी जिंदा बचेगा, देखिए इसको अगर स्काई ने पीक किया तो टरेट ही उनके जान ले लेगा. तो लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग है स्काई ऑन 4 एचपी, ही कैन बी टेकिंग डाउन वेरी इजीली. समय अभी के लिए एक सीमा बन चुका है, बहुत कम समय यहां पे प्लेयर के पास. वेल लास्ट के 10 सेकंड, एंड किलजॉय जो कि एक फ्लैंक पे आए थे, रोबॉक्सर को यहां पे डाउन, रोबॉक्सफर को यहां पे डाउन जरूर कर देंगे. एंड देख के लगा था मानो आखिरी 10 सेकंड है, एंड स्काई उनकी ही ट्राइड बिकॉज 4 एचपी पे वो खिलाड़ी था, वल्नरेबल हो गया था, एंड अगर ज्यादा पीक करता तो टरेट ही यहां पे उनको किल कर देता. सो स्काई की तरफ से एक अच्छी कोशिश देखने को मिली, इट वाज वेरी क्लोज, एंड गुड थिंग कि डिफेंस के प्लेयर्स ने सिर्फ पिस्टल की बदौलत इतना ज्यादा डैमेज अपने ओपोनेंट्स को दे दिया. Right, because that is the main thing, you know, you are on a save round and उसके बावजूद आप अपने opponent को बिल्कुल last player तक लेकर आ जाओ, that is a big win for them to be honest. Yes,
कहीं ना कहीं वो एक पिक और निकाल लेते, बट उसके बावजूद राउंड नॉट वेंट इन देयर फेवर, बट इकोनॉमी डेफिनेटली डेड. तो अब उनके पास गन्स एडवांटेज जरूर होनी चाहिए. फिलहाल स्नीकी इज ट्राइंग फॉर अ स्नीकी प्ले साइड बाय साइड. देख रहे हैं बी साइड की तरफ आते हुए, यूटिलिटीज नोटिस जरूर कर लिए. व्हाट? ओके ओके ओके, ही वाज स्पॉटेड बाय द फ्लैश, बट ठीक है. पोजीशन जरूर नोटेड है, बट नॉट यू नो द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन. सो ही विल सर्वाइव एज ऑफ नाउ. आउट ड्रोन का भी यहाँ पे इस्तेमाल होता हुआ. दे विल ट्राई टू टेक द स्पेस, एज मच स्पेस एज पॉसिबल. टू बी ऑनेस्ट, एनोस्वाम का बेहतरीन इस्तेमाल. विल पुश केजे बैक इन दिस सिचुएशन, बट यू नो गेन द कंट्रोल. लेकिन स्नीकी एक ऑलरेडी पिक निकालते हुए रोबॉक्सी के अगेन, सो दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड एन ओपनिंग टू देयर टीम. जी बिल्कुल, और अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे अटैकिंग डिफेंसिव टीम भारी पड़ते हुए. मैं तो यही सोच रहा था कि जब इनके पास पिस्टल्स थे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था, अब तो वेपन्स आ चुके हैं. द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग फ्रॉम द टीम इज सोवा, काफी ज्यादा दूर, 15 एचपी पे ये खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए. फिलहाल देखते हैं क्या वो यू नो एक प्ले बना पाएंगे. फिलहाल आर के वी 10 कोशिश जरूर करने वाले हैं. बी साइड की तरफ वो जा जरूर रहे हैं. ही हैज टू गेट दिस प्लांट इन, एंड आई पर्सनली फील लाइक अगर वो सिर्फ बी साइड पर डायरेक्टली प्लांट करेंगे तो बहुत दिक्कत आ सकती है. ही हैज टू क्लियर दोज एंगल्स. रिकॉन डार्ट इस्तेमाल जरूर कर लिया है टू ट्राई एंड फिगर आउट वेयर द ओपोनेंट आर. प्लांट फेक आता हुआ, सो अगेन ही इज प्लेइंग इट वेरी स्मार्टली. लास्ट 10 सेकंड्स हैज गॉट द प्लांट इन. Now definitely the ball is in the court of the defenders, but they've got a massive numbers advantage. So very fight size hoti hai jo ki nahi hui. Astra ne pick off zarur kar liya tha. Yes, it was a very nice try. Ji bilkul, aur yahan pe galti se maine opponent Sova ko dekh ke mujhe laga ye hai, but again HP thi inke paas, weapon nahi tha, and main samajhta hu ki it's a not very ideal situation, but spike plant karke aapne 300 creds apni team ke liye dila diye, so again it's a good thing. अभी के लिए अटैकिंग टीम 1-2 का स्कोरलाइन हमें देखने को मिलता हुआ, एंड अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार हमें ज़रूर करना होगा, एंड देन वी विल सी कि किस तरफ किसके तरफ मैच जो है वो रुक करता है. Absolutely. तो वो चीज़ देखनी अभी ज़रूर रहेगी, how things are going to turn out, just as you said. Because दो राउंड अभी हमने देखे दोनों अटैकर्स की तरफ जाते हुए, बट द प्रीवियस राउंड वॉज द you know scenario in which the defenders had a weapon advantage, lekin ab zarur dekhna padega since the guns will be the same between both of these teams. So we are seeing the proper gun round finally. To ki dekhenge, because alt ops ka bhi kafi zyada scenario isme rehne wala hai. We can already see the Astra alt online, to cosmic divide ka ek behtareen istemal bhi kar sakte hain wo chahe to, you know, they can try to deny that plant. To आई पर्सनली फील लाइक अगर कहीं ना कहीं अटैकर्स ये सोचते हैं कि ये राउंड वो थोड़ा स्लो खेलें तो उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज दे विल हैव टू पुश थ्रू दैट कॉस्मिक डिवाइड जिसमें उनके पास कोई भी साउंड क्यू नहीं रहने वाला है. जी बिल्कुल बिल्कुल सही यहाँ पे आपकी तरफ से एक एनालिसिस. प्लस मैं समझता हूँ कि ओके आई डू दिस इन माई मैचेस, मैंने करते हुए देखा है प्लेयर्स को. अर्ली अगर आपके पास अल्टीमेट आ रही है, मे बी कभी कभी होता है ना स्केडियट की हमारे पास लाइक सेकेंड राउंड में ही अल्टीमेट आ जाती है, थर्ड राउंड में अल्टीमेट आ जाती है, तो मैं समझता हूँ कि उसको यूज़ करके एंड कोशिश कीजिए कि आप वो राउंड जीत जाएं, बिकॉज अल्टीमेट वापस से आ जाएगी, उसको सेव करके एनीवेज यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग. फिलहाल के लिए सोवा की तरफ से एक रिकॉन डार्ट आएगा जो कि ए साइड की इन्फॉर्मेशन रिवील कर देगा. यस, देयर इज नो वन करेंटली ऑन ए साइड. सी की तरफ ये हिट हो रहा है, एनी सेट में रूसिफिक्स एंड स्नीकी एक एक पिक निकाल जाएंगे. डिफेंडिंग टीम की कमर तोड़ दी जाएगी, बिकॉज अभी के लिए जो भी प्लेयर्स हैं वो बी और ए की तरफ से रोटेट करके धीरे धीरे आ रहे हैं, एंड इसी रोटेशन को कैच करेंगे स्नीकी. काफ़ी ज़्यादा लो, लेकिन रेना जैसे कि हम सब जानते हैं रेना की एबिलिटी, अपने आप को हील करके वापस से अपनी एच पी तैनात कर लेंगे. एंड देयर यू गो, यहाँ पे रोबोफॉक्सर प्लेयर को डाउन करेंगे. टंग ट्विस्टिंग नेम फिलहाल के लिए सीकर से इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन एंड काफी ज्यादा नहीं एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट बोथ द प्लेयर्स आर ऑन. मुश्किल ये है कि किलजॉय की यहाँ पे नैनो स्वॉर्म्स लगे हुए हैं, उसके बाद सोवा के पास शॉक डार्ट, आई मीन एवरी यूटिलिटी इज रेडी, एंड स्काई के लिए शायद ये इम्पॉसिबल होने वाला है. द बेस्ट थिंग शी कैन डू इज, ही और शी कैन डू इज गो एंड सेव द वेपन. जो वेपन अभी इनको मिला है, जो अपग्रेड इन्होंने किया है, उसको सेव करने की कोशिश करनी चाहिए. उसमें भी सोवा टांग अड़ाना जरूर चाहेंगे, कोशिश यही रहेगी कि इकॉनमी डाउन किया जाए. लेकिन रोबॉक्स फर जिस तरीके से उन्होंने पहला और दूसरा पिक निकाला, मुझे नहीं लगता कि अब इस प्लेयर को आप चैलेंज करना सही होगा. Absolutely, this player is literally on fire at this point. फटाफट से अभी बाय को नोटिस करेंगे.
एक राइफल जो है भी तो सेव ही करी थी बॉक्सर ने, अब उनके पास यू नो ही इज गॉट दैट हीरो राइफल इन दिस सिचुएशन, तो ही कैन डेफिनेटली मेक एन इनसेन प्ले एज ऑफ नाउ सिंस ही यूज्ड द सीकर्स इन राइट इन द प्रीवियस तो राउंड, डज नॉट हैव राइट एनी अल्ट सिनेरियोस, बट लुक एट द टुवर्ड्स द अटैकर साइड, दे गॉट फोर अल्टीमेट्स ऑलरेडी ऑनलाइन लॉकडाउन के अलावा, बाकी चारों है उनके पास एंड ब्लेड स्टॉर्म यहाँ पे सीधा निकाल लिया गया है रूसेस ने। ही विल ट्राई टू मेक अ प्ले टुवर्ड्स द ए साइड, कॉस्मिक डिवाइड का भी इस्तेमाल यहाँ पे होता हुआ, सो जस्ट टू स्टॉप any kind of issue that they might actually try and show the most of the position. So oh, and that was an insane flash coming in as well as sneaky raid karte hue chief ko, and we're gonna see the reload coming in on frenzy. Astra nahi kar pai wo pick. KJ doing an excellent job trying to bring it down somehow. But it's a 1v5 scenario. We've the position. Super Sam getting one pick already. He's only got a specter in his hand, so dikkat bahut aane wali hai and he will not be surviving this one. Sneaky with an insane play in this game. But I was so surprised. Wo blade storm ek bhi connect nahi ho paya and then he got the pick with a classic. I was out of this world. अभी देखना जरूर बाकी है कि हाउ दे गोना ट्राई एंड कम बैक इन दिस सिनेरियो, बिकॉज़ जो गन राउंड हमने देखा था वो डेफिनेटली गया था अटैकर्स के फेवर में, बट अब वापस से एक और गन राउंड हमारे सामने आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द की पॉइंट्स इनटू सीइंग हाउ थिंग्स टर्न आउट इन दिस स्पेसिफिक हाफ, बिकॉज अगर ये गन राउंड भी जाता है अटैकर्स के साइड में दे विल प्रोबेबली हैव अ मैसिव एडवांटेज, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इज यू नो इट्स काइंड ऑफ इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड नेक्स्ट राउंड वुड प्रोबेबली बी अ सेफ फॉर द डिफेंडर्स इफ इन केस दे डू नॉट विन दिस वन, तो उसमें भी उनको फिर प्रॉब्लम आने वाली है एंड वी विल प्रोबेबली सी अटैकर्स हैविंग इनफ क्रेडिट्स टू बाय आउट फॉर द एंटायर हाफ। जी बिल्कुल, और मैं तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो मैं समझता हूँ कि 4 से 5 राउंड अगर मिल जाते हैं, मिनिमम 4 राउंड, अगर 5 राउंड भी मिल जाते हैं तो गेम दोनों ही टीम के लिए बराबर हो सकता है, कोई भी टीम अभी भी गेम पलट सकती है। 4 स्कोर लाइन है, लेकिन इससे इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इट्स टू अर्ली एनीथिंग। मे बी डिफेंडर्स रीड कर रहे हैं, मे बी डिफेंडर्स अभी एक से अटैकर्स अटैक करना पसंद है एंड उसके बाद एक टाइमआउट वगैरह लेके एंड कम्प्लीटली गेम चेंज करते हुए नजर आए, बिकॉज यू गेट होल्ड कि हाँ भाई किलजॉय, अगर ये 4 राउंड से अगर इन 5 राउंड में मैं देख के बताऊँ तो किलजॉय इज लर्किंग वेरी, ये चीज अगर आप रीड करते कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप समझ जाते हो तो बहुत ज्यादा आसान हो सकता है गेम्स को जीतना, राउंड को अपनी तरफ कन्वर्ट करना। उसी 5-5 का स्वाप या 8-4 का भी स्वाप हमें देखने को मिल जाता है तो बहुत आसान हो जाएगा राउंड को यहाँ पे कन्वर्ट करना। बट अभी के लिए एक छोटा सा टेक्निकल टाइम आउट है, तो थोड़ा सा हम इंतजार यहाँ पे जरूर करेंगे, उसके बाद फिर से बढ़ेंगे गेम की तरफ। एब्सोल्युटली, एंड वहीं पे अभी देखेंगे तो काफी ज्यादा आई वुड से एक नॉर्मलाइज सिनेरियो ही है यहाँ पे, दे कैन डेफिनेटली कम बैक इन दिस वन बिकॉज़ गन राउंड इज गोइंग टू बी सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, अभी के लिए वेपन्स आ चुके हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राउंड फॉर बोथ द टीम्स एंड शायद देखिए हम बात करते हैं ना स्केडियट की राउंड चेंज करने का समय या फिर यू नो मोमेंटम ब्रेक करने का कंट्रोल लेने का जो टाइम होता है, तो हमारे हिसाब से यही वो टाइम है जब आपकी कोशिश पूरी होनी चाहिए कि ये राउंड आपके खेमे में आ जाए। अब देखिए किलजॉय किलजॉय का लॉकडाउन रेडी है, एस्ट्रा की तरफ से कॉस्मिक डिवाइड रेडी है, विच मींस कि आप आने दीजिए, स्पाइक प्लान करने दीजिए, एटलीस्ट लर्क वगैरह से बैकस्टैब एंड ऑल से आप प्रोटेक्टेड रहिए एंड 5v5 या 5v4 जो भी जैसे भी सिचुएशन होते हैं आप रीटेक खेल सकते हो एंड रीटेक में आप इन दोनों अल्टीमेट्स को यूज करके, अभी सिर्फ 5वां राउंड चल रहा है एंड यहाँ पे ही अगर आप अल्टीमेट की बदौलत अगर राउंड निकाल लो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होने वाली है। फिलहाल के लिए आई थिंक वी आर बैक फ्रॉम द टेक्निकल टाइम आउट एंड शायद हम यहाँ पे गेम में पड़ेंगे एंड जब स्पेकुलेशंस हैं उनको एक्चुअल में गेम में होते हुए हम देखने वाले हैं। Absolutely, and वहीं पे मैं shout out देना चाहूँगा sponsors को, shout out to Intel as well as Mountain Dew, continuously provide us with amazing equipments as well as the continuous energy and the courage to use that and move forward. तो अभी हम देखेंगे जैसे कि आपने कहा time out थोड़ी ही देर में over भी होने वाला है, तो जो भी हम speculations कर रहे हैं उस चीज को actually में होते हुए, because yes, we are casters, we can make the guesses, but to make that into the reality, it is the job of the players to make
मेक श्योर टू गेट दोज प्लेयर्स ऑन बोर्ड. अभी मैं वही देखना भी चाहूंगा, कॉस्मिक डिवाइड अभी तक बचा हुआ है डिफेंडर्स के पास, सो दे डेफिनेटली नीड टू यूटिलाइज देयर यूटिलिटीज, क्योंकि जब वो उसको यूज करेंगे तभी वो एक और बार दोबारा से उनके पास आएंगी, रिचार्ज होंगी. अगर वो यूज नहीं होती है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है. यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, आपने अल्ट्स की बात ही करी थी, रैना के पास एम्प्रेस भी है, सो वी कैन डेफिनेटली सी सम अमेजिंग आउटप्लेस कमिंग इन फ्रॉम हर. एंड वहीं सोवा विद द हंटर्स फ्यूरी, क्योंकि लिटरली यू नो उनको एक अगर मिल गया क्यू कहां पर प्लेयर है, वो सीधा स्पैम कर सकते हो उस चीज को. तो किल जो है, जो डिफेंसिव किल जो है उनका, जो लॉकडाउन अगर आएगा तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वो भी सीधा स्पैम आउट हो जाए. तो अगर लॉकडाउन पे खेलने का प्लान रहने वाला है डिफेंडर्स का, तो सोवा बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसी के ऊपर हंटर्स फ्यूरी यूज करेंगे जी. एंड ऐसे टाइम में पता है स्केडेट या क्या किया जाता है, सबसे इजी चीज, फॉर एग्जांपल अभी तो सोवा है हंटर्स फ्यूरी, सिमिलर सिचुएशन हमें देखने को मिलती है ब्रिमस्टोन के साथ, जहां पे ब्रिमस्टोन अपने अल्टीमेट का इस्तेमाल कर देते हैं ऑर्बिटल स्ट्राइक एंड जो भी आपने ओपन अप द स्काई एंड द लॉकडाउन इज डिस्ट्रॉयड. लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है, आप सबसे पहले एम कीजिए ब्रिमस्टोन को डाउन करने का, एंड जैसे ही आप देखते हो कि इस राउंड में ब्रिमस्टोन नहीं है उस टाइम आप अल्टीमेट कीजिए. सो यहाँ पे ब्रिमस्टोन इज नॉट द हर्डल, यहाँ पे हमें सोवा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है. सो किलजॉय को ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि जब भी मैं लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उस टाइम सोवा जिंदा नहीं होने चाहिए, या फिर सोवा के पास अपर हैंड नहीं होना चाहिए, वरना वो लॉकडाउन ऑब्वियस सी बात है कि तोड़ दिया जाएगा. सेम चीज जाती है यहाँ पे अटैकर्स के लिए कि आपको वो हंटर्स फ्यूरी बचा के रखना है, ताकि किलजॉय जब भी लॉकडाउन डाल के एंड यू नो साइट रीटेक करने की कोशिश करें, आप इंस्टेंटली हंटर्स फ्यूरी से, वो कहते हैं ना एक अल्टीमेट का काउंटर अल्ट, तो ये किलजॉय सोवा ब्रिमस्टोन एक दूसरे के अल्ट को यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं. एंड जरूर से ध्यान देना होगा किलजॉय की अल्ट ब्रिमस्टोन सोवा दोनों से बचानी है, तो किलजॉय को भी समझना होगा कि व्हेन द प्लेयर इज डाउन आई कैन यूज माय अल्टीमेट एज वेल. Absolutely correct. So these are the kind of plays that they would need to focus on in this scenario. However, I know that everyone is getting impatient out there. Sabko dekhna hai match jaldi se shuru ho. Hum bhi chahte hai jaldi se shuru ho. But vahin, you also need to maintain the proper integrity and fairness of the scenario. So we will make sure that every system is absolutely perfect. Every connection is absolutely perfect. So that these players can show off their skills to the maximum and get the opening that they actually need to get. So right now, jaise ki hum baat कर रहे थे, we are going to head quickly into the game, into the round. We've all been waiting for so long and quickly looking at the scenario. एक ही तरफ यहाँ पे जाते हैं, पर sneaky एक play निकालते हैं, Astro को pick off कर लिया है, Jet यहाँ पे pick off निकाल लेगा, actually surprise. Deer का भी बहुत बेहतरीन इस्तेमाल होता हुआ, smoked off heaven as well as the link. And now they will be able to plant it very easily without any problem. दो तीन pick यहाँ पे करे हैं plant के, but rotation. Nightmare की भी आती हुई mid की तरफ से, the basically trying to pincer the defenders into that one specific कभी and ये अगर एक you know proper तरीके से हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है. RK भी एक pick off निकालता है, इसीलिए sky को take down कर लिया है, so no more flashes coming in. We still have lockdown, but super Sam the super play. Sneaky को pick off करते हुए एक और निकाल लिया, Nightmare भी वहाँ पे shut down हो चुके हैं. Killjoy still staying in the hell. उन्हें अभी position अपनी hold करनी है. RKV ने Owl Drone से अच्छी position reveal कर दी है. Killjoy के लिए एक बहुत proper setup हो सकता है. Hunter's Fury just तुमने एक shot miss कर दिया. Me Brave ने will have to retreat and now he does not have enough time to actually go in for the defuse, क्योंकि पता है Hunter's Fury भी available है तो नहीं कर पाएंगे. Just going in to save that rifle. जी बिल्कुल, बी ब्रेव की तरफ से एक सही डिसीजन मैं कहना चाहूँगा. हाँ गलत, यहाँ पे वो शॉट अगर मिस नहीं करते तो शायद विक्ट्री की तरफ शायद बढ़ सकते थे, लेकिन अब तो यहाँ पे बिल्कुल सेव करना ही एक इकलौता ऑप्शन होगा. एंड वो आखिरी राउंड, अगर इस राउंड की हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि ये राउंड डिफ्यूज़ कर पाना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज सोवा बहुत ही सेफ पोजिशन पर खेल रहे थे, उनके पास रिकॉन डार्ट था, उसका भी इस्तेमाल कर दिया था. एंड अगर सारी की सारी चीज़ें खराब होती तो बेस्ट ऑप्शन सोवा के पास हंटर्स फ्यूरी इस्तेमाल करने का था, जिससे वो प्लांट रोक पाते, आई मीन डिफ्यूज़ रोक पाते, माई बैड, एंड एक चार से एक पाँच कन्वर्ट कर पाते. एनी वेज, एक पाँच का स्कोर लाइन, जेट ने अपनी वेपन सेव कर ली है, मी ब्रेव आई थिंक वी आर मूविंग ऑन इन टू अनदर टेक्निकल टाइम आउट, एंड एक पाँच वेल कब चेंज होगा इसका मैं इंतज़ार ज़रूर से कर रहा हूँ. बिकॉज देखिए, हम बात कर रहे थे यूटिलिटीज़ की, अब तो एक और अल्टीमेट रेडी हो चुकी है जो कि डिफेंडिंग सोवा की हंटर्स फ्यूरी है. अब यहाँ पे अगर आप 1-5 से 2-5 नहीं कर पा रहे हो तो फिर कब? एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स देयर इको राउंड, क्योंकि कॉस्मिक डिवाइड भी है उनके पास, सो दे कैन डेफिनेटली मेक श्योर टू यू नो ट्राई एंड डिनाई दैट प्लांट. बिकॉज आप चाहो
तो यू नो दैट ए बी सी तीनों ही साइड की तरफ, बी की लेंथ अगर देखे तो कंपेरेटिवली सबसे आगे आप उस एरिया में पूरा कॉस्मिक डिवाइड डाल दो। यू कैन ट्राई एंड प्ले बैक ऑफ द साइड सिंस यू हैव द हंटर्स फ्यूरी, सिंस यू हैव द लॉकडाउन, यू कैन मेक श्योर कि आप रीटेक के लिए खेलो। एंड यू नो द बेस्ट वे टू बेट आउट द अटैकिंग हंटर्स फ्यूरी इज, आपको पता है कि अगर डिफ्यूज आपको करना है तो हंटर्स फ्यूरी तो आएगी आप पे, दैट इज 100% श्योर। सो यूज योर यू नो किल जॉय यूटिल, यूज योर लॉकडाउन ताकि अटैकर को हंटर्स फ्यूरी लॉकडाउन पे यूज करनी पड़े, एंड यू हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड अ चांस टू गो इन फॉर द डिफ्यूज विदाउट वरिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक अल्टीमेट। जी बिल्कुल। और यहीं पे भी देखना भी रहेगा कि कैसी ये लोग यू नो अपनी यूटिलिटीज को उस हिसाब से यूज भी करने वाले हैं, बिकॉज नैनो स्वॉर्म्स आर ऑल्सो वेरी गुड ताकि वो एक डिफ्यूज को डीले कर सके, एंड उस चीज का इस्तेमाल जो ये लोग कंटिन्यूअसली करे जा रहे हैं, यू नो दैट्स दैट्स लिटरली सो वेरी गुड टू वॉच। ये ब्रेव ने क्योंकि ऑपरेटर सेव कर लिया, सो आई वुड पर्सनली थिंक कि अटैकर्स शायद पहले ट्राई करेंगे फिगर आउट करने का कि मी ब्रेव कौन सी साइड पे खेल रहे हैं। विल ही बी होल्डिंग द सी लॉन्ग, विल ही ट्राई एंड यू नो प्ले इन लिटिल बिट अग्रेसिव टूवर्ड्स ए, क्योंकि ए की तरफ अगर वो मी ब्रेव को भेजेंगे तो उन्हें एक और मेंबर भी भेजना पड़ेगा जो कि सिवर्स को वॉच कर रहा है, सो दैट मी ब्रेव डज नॉट गेट बैक स्टाब, वो पिंसर नहीं आए। सो दे विल हैव टू यू नो मेक श्योर टू एटलीस्ट पुट टू पीपल ऑन टुवर्ड्स दैट ए साइड, व्हिच विल काइंडली लीव जस्ट वन पर्सन एंकरिंग टुवर्ड्स द सी। सो वहां पे हमने बिल्कुल पहले ही देख रखा है कि अटैकर्स एक हिट डाल चुके हैं सी के ऊपर स्टार्टिंग में, सो पॉसिबिलिटी है वो दोबारा से ये चीज को फिगर आउट कर सकते हैं। जी। और माउंटेन ड्यू हमारे सबसे कूलेस्ट बेवरेज पार्टनर को एक बहुत बड़ा शाउट आउट, बिकॉज ऐसे टाइम में माउंटेन ड्यू चिल कूल माहौल बहुत ज्यादा मजेदार। Exactly. Cool as you and I drop one. बिल्कुल हम देखेंगे। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा। एयरक्राफ्ट टू इनकमिंग, वी हैव हिट एन एयर पॉकेट। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ऐसा स्टंट पहले किसी ने नहीं किया है। एयरक्राफ्ट वन रेडी टू लॉन्च। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा। पे गेम के अंदर वापस आते हुए एंकी, मुझे पता है आप भी बेताब हो रहे हैं देखने को क्या सिनेरियो रहने वाला है। प्रोबब्ली हंटर्स फ्यूरी मैंने होती हुई यूज देखी है यहाँ पे, सो द यूटिलिटीज आर बीइंग ट्रेडेड अगेन एंड वी हैव टू सी व्हिच वन ऑफ देम इज एक्चुअली द वन हु विल बी गेटिंग ऑन टॉप, बिकॉज ये राउंड इज गोइंग टू बी सो वेरी क्रूशियल। ये जीतना ही जीतना है डिफेंडर्स को ताकि वो किसी तरह हाफ को बराबर लेकर आ सके। अगर वो हाफ बराबर पे नहीं आता है तो बहुत बड़ी दिक्कत उनको आ जाएगी। दे वुड हैव टू मेक श्योर कि वो अटैक्स इतने ऑन पॉइंट हो, उनकी रीडिंग डिफेंस वालों के ऊपर इतनी ऑन पॉइंट हो, सो दैट दे डू नॉट फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन अटैकिंग अ साइट व्हिच इज नॉट स्टैक्ड विद प्लेयर्स। तो ये बहुत क्रूशियल सीन रहने वाला है, तो इसको देखना अभी बाकी है हाउ दे आर एक्चुअली गोइंग टू टर्न थिंग्स अराउंड और द यूटिलिटीज, बट दे डू नॉट हैव द वेपनरी, कहीं ना कहीं एक वेपनरी डिसएडवांटेज थी उनके पास। तो अभी फटाफट से देखेंगे हाउ द सीन एक्चुअली इज। जी बिल्कुल। और अभी के लिए फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो 2v2 का सिनेरियो जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से हम बहुत ही छोटी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, बट इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ शायद लॉकडाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड प्रोड्यूसर साहब थोड़ी सी मेहरबानी। लॉकडाउन के ऊपर स्पैम किया, टूटा नहीं है वो, एंड वेट किलजो इज एक्चुअली रिट्रीटिंग, वो लॉकडाउन को डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहे हैं एंड ही वांट्स टू प्ले इन फॉर द सेव। अभी देखना है कैसे सिनेरियो रहेगा इस सिचुएशन का, बिकॉज़ इट्स डाउन टू अ 1v1, इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इनसेन फॉर द व्यूअर्स, बिकॉज़ जैसे कि बताया था कि एक पिविटल राउंड रहने वाला है एंड एक्चुअली वेंट इन फेवर ऑफ अटैकर्स। तो जो किलजो ने रिट्रीट किया था दैट वाज सो वेल प्लेड एंड वेल कैलकुलेटेड। जी बिल्कुल, बहुत ही कैलकुलेटेड मैच था, लेकिन 1-6 का स्कोर लाइन है ना। बात कर रहे थे कि
यू नो प्लेयर्स के लिए कि कैसा उनको लगता है, कैसे किस तरीके से रोका जाएगा. अल्टीमेट्स वैसे के वैसे ही अभी भी स्टैंड है, लेकिन यू नो वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा उनका. डिफेंसिव हंटर्स फ्यूरी का तो इस्तेमाल किया गया था एंड केजे ने अपनी यूटिलिटी भी लॉकडाउन में देखा कितने अच्छे तरीके से यूज किया. आई बिलीव उसी राउंड में उनको वो मिला था एंड उसका इस्तेमाल यहाँ पे शॉक डार्ट यूज तो जरूर किया था, बट आई एम नॉट श्योर कौन सा एंगल क्लियर करने के लिए. मे बी ट्राइंग टू गेट समवन कॉट ऑफ पोजीशन, बट सिवर्स में राट हैज बीन एन इंसेन प्ले. सीकर्स का इस्तेमाल गेट्स टू द पोजीशन ऑफ वन मोर गोस इन फॉर द स्पॉट ऑफ द थर्ड पिक ऑन फॉर दिस मैच. ही शुड हैव एन इंफॉर्मेशन ऑफ द फोर्थ वन एज वेल, जिसका सोवा ने अपना काम कर दिया है. मेड शॉट शॉट किल जॉय डाउन नो इट इज अ फुलस राउंड एंड रोबॉक्सर मीन दैट गाय विद फोर पिक्स जस्ट वन अवे फ्रॉम एस. व्हाट अ प्ले. जी बिल्कुल. और यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे थे डिफेंडिंग टीम की कि कब होगा वो, एक कब एक अच्छा डिफेंस जो है हमें देखने को मिलेगा. और डिफेंडिंग टीम तो मानो बिल्कुल सीरियस ले गई, एक फ्लॉलेस राउंड हमें दिखा दिया बिना किसी भी प्लेयर के नुकसान के. डिफेंडिंग टीम एक राउंड निकालते हुए एंड 2-6 का स्कोर. इसी तरीके से देखिए अल्टीमेट भी अभी भी रेडी है, वो दो अल्टीमेट की कॉम्बो आपको फॉर श्योर एक राउंड दिला सकती है, किलजॉय एंड एस्ट्रा. बट सही तरीके से आप उसका इस्तेमाल कब करोगे ये भी डिपेंड करता है. फिलहाल सोवा सी साइड के लाइनअप के लिए रेडी हैं एंड हम सबको पता है इसी यहाँ पे कमिट किया जा रहा है. द स्मोक्स आर रेडी, किलजॉय की यूटिलिटीज रेना को यहाँ पे वल्नरेबल जरूर कर देंगे, लेकिन उन वल्नरेबिलिटी में कोई डाउन करने के लिए कोई किल करने के लिए रहेगा ही नहीं. एस्ट्रा ऑन द अदर हैंड साइड पे ही मौजूद है, अपने ही स्मोक में छुपे हुए हैं. ये किस प्लेयर को अचानक से धक्का देंगे. वेल ही विल टेक डाउन वन थ्री की सिचुएशन. किलजॉय स्टिल अलाइव. मैं सिर्फ मेरी निगाहें उनकी अल्टीमेट की तरफ है कि कब इस सिचुएशन में अल्टीमेट का इस्तेमाल करके एंड प्लेयर्स को रोकेंगे. फिलहाल के लिए जैसा कि हम सब जानते हैं अटैकिंग किलजॉय लव्स टू लर्क, बहुत बढ़िया लर्क करते हैं इनफैक्ट. एंड वो फिर से एक बार बी साइड की तरफ से रोटेट करके आते हुए हमें नजर आ रहे हैं. रोबॉक्स फ्लर बाहर का रास्ता दिखाएंगे. Perfectly retaking that site. And जैसे कि आपने बताया Empress का इस्तेमाल होते ही सीधा finish off and lockdown was also used perfectly to make sure कि site properly clear हो जाए. बिल्कुल. एंड देखिए यहाँ पे छोटा सा एक जो लर्क था किलजॉय का, हम सब तारीफ कर रहे हैं किलजॉय जो अटैकिंग किलजॉय है, आई डोंट नो व्हाट्स हर नेम हिज नेम, बट लर्क यहाँ पे थोड़ा सा फेल इसलिए हुआ बिकॉज साइट पे जो प्लेयर्स थे वो थोड़ा सा और साथ दे देते अगर किलजॉय का, तो यहाँ पे आउटपुट अच्छा देखने को मिल जाता. लेकिन रोबॉक्स पर जो थे, जो स्काई थे, उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, इंस्टेंटली एम्प्रेस ऑन कर दी. लॉकडाउन ने भी अपना काम कर ही दिया एंड उसके बाद क्या था, बस एक राउंड जो कि डिफेंडिंग टीम के हाथों में आते हुए हमें नजर आया. 3-6 का स्कोर लाइन एंड अब यहाँ पे लग रहा है कि अटैकर को रोकना जरूर होगा. फिलहाल के लिए ग्रेविटी वेल का इस्तेमाल एंड यहाँ पे ब्लेड्स को रोसिफिक्स पूरी तरीके से मिस करते हुए दूर दूर तक एस्ट्रा के आसपास तक ब्लेड्स नहीं थे. Well, Astra will be traded, but the situation, the number game is still in favor of attacking team. एक player यहाँ पे extra, एक player के नुकसान पे यहाँ पे बस खेला जाएगा, attack किया जाएगा. The spike will be planted. Spike कोशिश की जाएगी plant करने की. And Robox पर ये player सर पे खून सवार है, इसके बिल्कुल कफल बांध के निकल चुके हैं. Super fam पीक आउट करेंगे एंड स्पाइक कैरियर को डाउन करेंगे. व्हाट्स गोइंग ऑन. अचानक से अटैकिंग टीम बिखरती हुई, ये रिकॉन डार्ट भी प्लेयर्स की पोजीशन जरूर से दे देगा. नाउ दिस इज एन इजी गेम, अल्ट्रा इजी गेम. रोबॉक्स फॉर द सोल प्लेयर, लुक एट हिज एचपी, 7 HP पे ये खिलाड़ी जिंदा है. आई वाज कंफ्यूज्ड जब ये यहां पे फ्लैशेस आए. आई गॉट कंफ्यूज्ड कि इतनी तेजी से ये प्लेयर क्यों खेल रहा है, क्या स्पाइक प्लांट हो चुका है. बट देन आई सॉ नो, प्लांट नहीं हुआ है यहाँ पे. रोबॉक्स फर को बस जल्दी है. 18-5 का यहाँ पे स्कोर. रोबॉक्स फर किल डेथ असिस्ट हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं. 18-5 का एंड 4-6 का स्कोर लाइन इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल ला चुके हैं. स्नीकी अब तक चल रहे थे और आगे चलना होगा, वरना क्या पता 6-6 का स्कोर लाइन शायद हमें देखने को मिले. वेल फिलहाल सीकर्स रेडी है एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इसके एडियट. Exactly, यहाँ पे सीधा हॉक का इस्तेमाल किया है क्लियर करने के लिए. पूरे ए मेन का कंट्रोल उनके पास आ चुका है. लुक एट प्रोग्रेस दैट दे मेड सिवर्स के थ्रू भी, सो दे नो इट इज ओनली, इट कैन ओनली मीन इधर बी हिट और सी हिट. सी पे दे आर प्लेइंग फुल रीटेक, बी पे उन्होंने ऑलरेडी स्टैक कर रखा है एंड दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर पिंच, क्योंकि अटैकर्स को सीधा स्पॉन की तरफ एंड साथ ही साथ उन्हें पता है मिड एरिया में गैराज की तरफ ही रोक लेंगे वो, अगर वो उनको पकड़ लेते हैं. दे आर प्लेइंग इट सो वेरी वेल एंड इट्स लिटरली जस्ट एज यू सेड, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड. सो
क्विकली यहाँ पे सीधा क्विकली क्लियर कर केजी की यूटिलिटी को कॉस्मिक डिवाइड का भी इस्तेमाल होता हुआ अटैकर्स की तरफ से एंड वी आर गोना सी ट्रेड्स कमिंग बैक एंड फोर्थ आरकेबी विद जस्ट अ शेयर विल ट्राई टू मेक अ प्ले उन्हें पुश करनी पड़ेगी बट व्हाट द ट्रेड्स गोइंग इन फेवर ऑफ दोस स्पेक्टर्स बट फाइनली 3v1 का सिनेरियो 1v2 ही हैज टू आइसोलेट दोस फाइट्स लेकिन सोबा will try to get that dart in super dart ka istemal wahan pe karte hue spam kara hai super samne and round jitwaya apni team ko they played it and again so very well the progress that they made towards that a side defenders are playing aggressively जी बिल्कुल और यहाँ पे 5-6 का स्कोरलाइन आखिरी में जो सोवा बचे हुए थे उनको बिल्कुल घेर सा लिया गया था उनकी पोजीशन बता दी देयर वाज नथिंग मच ही कुड डू एक्सपेक्टेड अगर कुछ चमत्कार करके दिखाते कुछ अचानक से वन टैप्स देना शुरू कर देते दैट शुड बी दैट मस्ट हैव बीन अ डिफरेंट केस बट फिलहाल के लिए जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहला मैच है ये आखिरी राउंड की तरफ हम लोग बढ़े हुए हैं इसके बाद साइड्स स्वॉप होते हुए हमें नजर आएंगी एंड आखिरी राउंड है सोवा की तरफ से ऑपरेटर आ चुकी है एंड इसी बीच काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया इसी साइड पर जो जेट यहाँ पर छुपे हैं मुझे लगता है कि वो बहुत ही तकड़ा धक्का देने वाले मी ब्रेव जो कि जेट यहाँ पे हैज बीन ट्रेडेड एनीवेज रूल्स इफेक्ट्स यहाँ पे वल्नरेबल एंड लो जरूर होंगे पुश करना चालू करता है एंड वो रोटेट करता है सो व्हाई नॉट वेट फॉर हिम क्यों ना उसका इंतजार किया जाए एंड उसी रोटेशन में उनको किल किया जाए सो अ गुड मूव फ्रॉम द अटैकिंग टीम जो इतने राउंड से कर रहे थे शायद अगर इस आखिरी राउंड में उसको चेंज लेके आते तो रिजल्ट कुछ और होता था आज का लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग अपना स्प्रे एडजस्ट करने की कोशिश बट यहाँ पे नाइटमेयर विल टेक हिम डाउन नाइटमेयर विद अ टोकल 7-5 का स्कोर लाइन एंड अगेन जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं 7-5 एक बहुत ही बढ़िया एक बहुत ही अच्छा स्कोर लाइन एंड यहाँ से गेम किसी के भी तरफ जा सकता है इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने ज्यादा भूखे हो आपको कितना ज्यादा जीतने की नीड है लेट्स सी क्या वो अटैकिंग टीम होने वाली है क्या वो डिफेंडिंग टीम होने वाली है क्योंकि 7-5 शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हुई हाँ हम मानते हैं शुरुआत में थोड़े से प्रॉब्लम्स हमें 1-2 का 4 की तरफ से देखने को मिले लेकिन उसके बाद उन्होंने 5 राउंड यहाँ पे अगर डिफेंस में निकाले हैं इट्स अ गुड थिंग डिस्ट्रिक्ट 9 वर्सेस 1-4 का मैच अब यहाँ से और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए Absolutely. तो अब हम देखेंगे कि District 9 कैसे डिफेंस करती है इस सिनेरियो में एंड यू नो आई रियली लव्ड द फैक्ट कि दोनों टीम के सोवा ने आउटड्रोन का इस्तेमाल किया डिफेंडर्स ने सीधा भेजा साइड की तरफ एंड अटैकर्स ने भेजा वो सिटी की तरफ एंड यू नो बोथ दी ऑलड्रोन्स जस्ट क्रॉसिंग ईच अदर दोनों के ऑलड्रोन ने अपने एक एक ओपोनेंट को मार्क कर दिया लाइक एवरीथिंग वाज हैपनिंग मिरर वर्ल्ड यहाँ पे चल रहा था टेनेट का सिनेरियो हो रखा है आई मीन दैट्स बीन इनसेन एंड सो फन टू वॉच एंड यू नो वन मोर थिंग द कॉस्मिक डिवाइड दैट प्रॉबली केम अप इन राउंड 3 or 4 वाज आई पर्सनली फील इट वाज यूज्ड इन दिस लास्ट राउंड कहीं ना कहीं मैं ये जरूर कहना चाहूंगा यूटिलिटीज अगर एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ आप इस्तेमाल करो सो आप उनकी बेस्ट वैल्यू निकाल सकते हो दैट इज वन थिंग दैट आई फील लाइक 1-2 का 4 वुड नीड टू फोकस ऑन सिंस नाउ दे आर ऑन द अटैक साइड इट्स बिकम्स मच मोर इम्पोर्टेंट अभी रोक लेंगे वो अगर वो उनको पकड़ लेते हैं प्लेइंग अभी देखेंगे क्योंकि जरूरी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो चुका है लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार जो है वो हमें करना होगा Again, a technical timeout. I mean, just as I said, all good things take time. This one is taking a little bit longer. That's the only difference. But again, हमें पता है थोड़ा सा extra time लग रहा है, but कोई बात नहीं, guys. You need to make sure that you keep on drinking the Mountain Dew because that's what I'm doing. That's what you know keeps my throat absolutely picture perfect. To make sure to continuously cast and show that energy to you all, just like these players are showing to all of us in this specific map. सिनेरियो बहुत ज्यादा खतरनाक था 6-1 का सिनेरियो था एंड उससे इस पूरे को टर्न करना टू अ 5-7 That is an amazing comeback, to be honest. Because yes, best scenario 6-6 का होता, but 7-5 is not bad. जैसे कि आपने बिल्कुल starting में भी state किया था, अगर 7-5 का भी रहता है, तो भी match किसी भी side पे जा सकता है. 8-4 के टर्म्स में भी yes, जिसके पास 8 points हो, उसको थोड़ी सी advantage होती है, but again the match can turn around at any point. And yeah, we've seen a lot of comebacks, you know, from 11-3, we've seen these kinds of comebacks. So कमबैक अगर टीम बिल्कुल दिमाग में बिठा लेती है अब तो करना ही है एंड देयर आईजीएल गिव
उस परफेक्ट क्यू साइड बाय साइड सारे लोग अगर अपनी ड्यूल्स भी जीतते हैं देन देयर इज एब्सोल्युटली नो वे दैट यू आर गोना बी स्टॉप्ड फ्रॉम विनिंग दोस राउंड एज वेल एज द मैप. तो उसी चीज की तरफ इन दोनों टीम्स का भी फोकस रहने वाला राइट देयर. जी बिल्कुल, 7-5 का स्कोर लाइन मैच शुरू होने का इंतजार रहेगा. देखिए प्लेयर्स को कहीं ना कहीं कभी कभी रीसेट होने में भी टाइम लग जाता है, वो उस मूड में भी आने में टाइम लग जाता है. तो मैं समझता हूँ कि पहला मैप जैसा भी जा रहा है बहुत ज़्यादा, पहला हाफ जैसा भी जा रहा है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दूसरे हाफ में प्लेयर्स एकदम हट के प्ले करते हुए नजर आएंगे. बिकॉज देखिए हम एज अ कास्टर हमें समझ में आ गया है कि कौन सा प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, कौन से प्लेयर को डाउन करने की ज़रूरत है, किससे बच के रहना. प्लेयर्स जो मैच खेल रहे हैं उन्हें भी ये बात समझ में आ ही गया होगा कि यस दिस गाय इज प्लेइंग वेरी वेल, बहुत अच्छे इनके शॉट्स लग रहे हैं, इनसे थोड़ा सा बच के रहना है, इनको यू नो चैलेंज नहीं करना, रिस्पेक्ट करना है. एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, जब आप अपने एक एक कदम को यू नो फूक फूक के रखने लगते हो तो विक्ट्री एक एक राउंड आपकी तरफ आने लगती है एंड देन आप आगे जरूर बढ़ सकते हो. इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए टीम्स को यहाँ पे आगे बढ़ना, एक छोटा सा टाइम आउट है, थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा. बिल्कुल सही बात करी थी, बिकॉज यू नीड टू मेक श्योर कि आप कुछ प्लेयर्स को सीधा शट डाउन कर रहे हो एंड कुछ प्लेयर्स को यू हैव टू रिस्पेक्ट, बिकॉज यू नो दैट दिस मे बी द स्ट्रॉन्ग होल्ड द स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड अगर उसको पिक ऑफ नहीं किया तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है. तो यही सारी चीजों को हमें फोकस भी करना है एंड प्लेयर्स को भी इन्हीं चीजों पर फोकस करना है, बिकॉज At the end of the day, we know the adaptations are very important. देखेंगे यहाँ पे एक instant replay फटाफट से, जो कि अभी तक हमने players match के अंदर come right in front of us. जैसे कि हम अभी play देख रहे हैं इस time पे early rounds coming in front of us and the pace, how well that spam was from Sky. एक सीधा pick off करके down करेंगे. That was a beautiful shot. कहते हैं tongue twisting ने. जी बिल्कुल. इस्तेमाल कर लिया था उस सिनेरियो में, राउंड नहीं निकाल पाए थे बट बहुत ज्यादा क्लोज लेकर आ गए थे वो उसके बावजूद, दैट टू ऑन हिज सेव राउंड. तो जैसे कि हमने बात करी थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इज रोबो ऑन द स्काई, यू नो सिंस हिज नेम इज एक्चुअली अ टंग ट्विस्टर, आई एम गोना स्टिक टू रोबो एंड ही हैज बीन हैविंग द मैप ऑफ हिज लाइफ टाइम. जी बिल्कुल, टंग 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 ट्विस्टर तो है, बिकॉज अगर सच बताओ तो मैं खुद एक दो बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था. रोब्लॉक फॉक्सर ऐसा कुछ नाम था, रोबो फॉक्सर, आई डोंट नो. सो या आई विल कॉल हिम रोबो और विल कॉल हिम स्काई, दैट्स अ गुड अल्टरनेटिव. ये एक, हाँ ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो शायद हम लोगों के लिए रहने वाला है. बट फिलहाल के लिए इन रिप्लेस का आप लोग यहाँ पे मजा लीजिए. ये वो मोमेंट्स हैं, ये वो मोमेंट्स है जब प्लेयर्स ने अपना बेस्ट दिखाने की यहाँ पे गेम में कोशिश जरूर की थी. Exactly and honestly दिखाया भी है, because they've been so spot on in these plays. तो वो चीज काफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाती है इस सिनेरियो में, how you know your mentality is in this specific scenario, because अगर कोई प्लेयर जोन में पहुंच गया इस केस के अंदर, especially if it's Reyna, then we know how you know self-sustainable agent that actually is. You don't need the heals from Sky or Sage, you can quickly heal yourself. All you need to do is you need to win your trades, and Lear का अगर इस्तेमाल कर लिया एक बारी तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ जाती है ओपोनेंट के पास, लेकिन काफ़ी अच्छी एडवांटेज उनको खुद को मिल जाती है. एंड नाउ सो वही चीज है, बट अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू दोज ड्यूल्स, कि कौन सा प्लेयर उस ड्यूल का इस्तेमाल करके उसको जीतता है. बट आंकी आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, अभी हम दोनों ही टीम्स के कॉम्पोजिशंस को देख रहे हैं, हमको पता है एक डबल ड्यूलिस्ट कॉम्प इज वेरी गुड एट अटैक, लेकिन डिफेंस पे अब वो उस चीज का इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि यूटिलिटीज के लिए अगर मिड राउंड इन्फो की हम बात करें तो उनको वो सोवा से तो जरूर मिल सकती है, लेकिन उसके बाद आई डोंट थिंक सो बहुत आसानी से उन्हें ऐसे पता चलेगा कि कहाँ पे प्ले बन रहा है. ट्रू, वेरी ट्रू. और इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है कि जब आप ऐसे एजेंट्स को लेते हो तो जिस मेंटालिटी से आपने लिया होता है उस मेंटालिटी से आपको खेलना भी पड़ता है. फॉर एग्जांपल आपने चेंबर लिया है एंड साइट के पीछे आप टीपी लगा के वेट कर रहे हो, इज दैट अ गुड प्ले? नो.
जब चेंबर जिंदा था तो आपको चेंबर से प्रोएक्टिव पीक लेके एक किल करके एंड पीछे आना था, या योरू अगर आप खेल रहे हो तो प्रोएक्टिव पीक लो आगे जाओ, अगर नहीं मिल रहा टीपी आउट करो। तो सिमिलर चीज इन दोनों ड्यूलिस्ट को अब आगे फ्रंट पे आके खेलना होगा। एंड देखिए जेट वही चीज करते हुए नजर आए, नाइटमेयर एंड रूसिफिक्स को एक एक पिक मिलेगा। ब्रेव रूसिफिक्स को नलिफाई यहाँ पे डाउन जरूर करेंगे, लेकिन एस्ट्रा विल बी स्टिल अलाइव एंड यहाँ पे स्नीकी दो पिक निकाल जाएंगे। लास्ट स्टैंडिंग विल बी टेकन डाउन, 9 HP पे एस्ट्रा मी ब्रेव को डाउन करने वाले हैं। हम बात कर रहे थे डबल ड्यूलिस्ट के साथ कैसा खेला जाएगा। देखिए रेना और जेट ये जो दोनों ड्यूलिस्ट हैं, इन्होंने 3 पिक निकाला एंड आई थिंक बाकी के 2 पिक नाइटमेयर निकाले। तो ड्यूलिस्ट जो है एग्रेसिवली आगे जाके, भले ही आप डिफेंस में लेकिन आगे जाके आपको वो प्रोएक्टिव प्लेस दिखाने हैं एंड पिक्स निकालने हैं। इस राउंड में वो चीज करते हुए नजर आए, अगर ये चीज कंटिन्यू रही विक्ट्री हासिल हो जाएगी। बहुत ही सिंपल आंसर। Absolutely, and you know this is the thing that quite a lot of people they kind of forget in these situations that if you have a double duelist comp, so agar aap defense pe bhi hote ho, so you have limited ways of gaining the information. Lekin abhi aap khoob milti hui, quickly healing himself back up, and now he has already given the open that his team needs. And kyunki weaponry of advance, ek aur yahan pe down nikalte hue heal kar liya hai khud ko. He knows the scenario that there is one in the window and there is one who will be coming in from that garage area, but yahan pe sare logo ko finish off karke they actually got a flawless round. And look at the HPs, everyone is full except Reyna. I can hold an area pretty well myself. Make sure to cover the angles I can't. That was a wow play, like seriously wow play. Just holding that angle, making sure you're getting healed back up and getting those shots in. That is an insane play, like literally insane play. I want that in the highlights. Turn out. जी बिल्कुल, बढ़िया इनसेन प्लेस थी। 5-9 का स्कोर लाइन हो चुका है एंड ये थोड़ा सा चिंताजनक स्कोर लाइन मेरे लिए जरूर हो चुका है, बिकॉज 7-5 और कम बैक की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला कंडीशन यही होता है कि 7-5 के बाद क्रिस्टल आपको जीतना है। वही चीज, वो एग्जैक्ट चीज यहाँ पे नहीं हो पाई है अभी तक हमारी डिफेंडिंग टीम की तरफ से, यानी कि 1-2 का 4 की तरफ से। अब कैसे जीतोगे एक बड़ा सवाल है, बट चलिए यहाँ पे वेपन्स आ चुके हैं, हो सकता है चांसेस हैं कि यही से इनका कमबैक हमें शायद देखने को मिले। विल स्नीकी विल गेट अ किल ऑन सुपर सैम एंड स्नीकी जहाँ पे छुपे हुए थे। वेल आई थिंक सुपर सैम ने एक्सपेक्ट नहीं किया, रोबो काफी आगे यहाँ पे साइड के अंदर तक घुस चुके हैं। बैकस्टैब आ रहा है, देखिए दोनों ड्यूलिस्ट कितने ज्यादा यहाँ पे फ्रंट पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे जेट डाउन होंगे इंस्टेंटली रेना अपने आप को बैकफुट पे ढकेल देंगे, बिकॉज नाउ इट्स अ 4v4, आई एम द ओनली ड्यूलिस्ट अलाइव, मुझे अपनी टीम के लिए अच्छा डिफेंस निकालना है। सो लेट्स गेट बैक टू अ गुड पोजिशन एंड उसके बाद वी विल ट्राई टू प्ले द गेम। फिलहाल के लिए 4v4, ए साइड ओपन फॉर बिजनेस। एग्जैक्टली, एंड द थिंग इज दैट दे नो दैट इट इज एन एड, उनको पता है, बिकॉज लुक एट द स्पेस दैट दे हैव टेकन द एंटायरिटी ऑफ द मैप एंड प्लांट अभी तक नहीं हुआ था। सोवा विल फाइनली गो एंड गेट द प्लांट इन, फ्लैश अच्छा से इस्तेमाल हुआ है, बट उसके बावजूद भी केज ने अपना टरेट जरूर लगा दी थी वहां पे। सोवा स्लोली मूविंग अप, ही कैन एक्चुअली प्ले अ लिटिल बिट यू नो चीकी वन, वी गोना सी द रिकॉन डॉट कमिंग इन 100, दो लोग सीधा देख लिया गया है, एंड द शेरिफ स्प्रे कम्स इन, इट कम्स डाउन टू अ 2v2, एस्ट्रा ने सीधा फिनिश ऑफ कर लिया, दोनों को टेक डाउन कर दिया है। इट डिड बिकम यू नो अ लिटिल क्लोज, जस्ट डाउन टू 2v2, दो शॉट कनेक्ट होते तो सीधा मैच का रिजल्ट ही कुछ और होता, बट द कॉम्बो प्ले दैट केम इन फ्रॉम देम, द डबल पीक मेड श्योर कि 1-for-1 तो ट्रेड हो ही मिनिमम। उसके बाद जो सोवा ने अपना रिकॉन डार्ट भेजा था, इट एक्चुअली रिवील्ड 2 of those people, सो दे न्यू द पोजीशन ऑफ देम। ऑल इन ऑल अ वेरी गुड अग्रेसिव राउंड कमिंग इन फ्रॉम द अटैकर्स। यस, दे वर डाउन टू 2 members, बट इवन आफ्टर दैट दे गॉट दोस 2 rifles, दे गॉट द क्रेडिट्स टू बाय मोर, एंड दे आर फाइनली 1 step क्लोजर टू गेट द स्कोर इक्वलाइज्ड। अभी के लिए ये दोनों एस्ट्रा जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं। फिलहाल के लिए सुपर सैम स्नीकी को बहुत ही प्यारे तरीके से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं, एंड डिफेंडिंग टीम मे बी दे आर लूजिंग देयर कूल और मे बी इट्स देयर बैड राउंड, बैड वे, आई डोंट नो। बट इस राउंड में जो ये 2 किल मिले खासकर, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा बुरे मैं कहना चाहूँगा। ओडिन हाथ लग चुकी है, मतलब कोई खिलाड़ी यहाँ पे ओडिन भी लेके आया था रोबॉक्स पर। वेल किलजॉय को ये जवाब देते हुए कि सिर्फ आप ही अच्छा लर्क करना नहीं जानते, बी साइड की तरफ से हमें भी ये स्किल आता है,
एंड ईंट का जवाब ईंट से, ईंट का जवाब पत्थर से, आई मीन जैसे भी दिया जाता हो, रोबॉक्स पर वो देते हुए नजर आए। 7-9 का स्कोर एंड काफी क्लोज पहुंच चुके हैं, 2 राउंड और एंड 9-9 हो सकता है यहाँ पे स्कैडियर। I really like the fact कि जैसे players adapt कर रहे हैं अपने opponent के play style पे, your tongue has adapted to the name Robox for that, it's not twisting anymore, you said it 2 times in a row perfectly, so shout out to you Anki, that was a very nice one, but yes, just as you said, score is close 7-9 and that was a very good look coming in from their side, so कहीं ना कहीं एक अच्छा answer box is closer, They're trying to gain the control of the garage. उन्होंने mid की तरफ काफी अच्छी noise बनाई है. A site is absolutely free, but we're possibly going to see someone will be anchoring towards that sneaky with that sheriff takes down Mr. Brave. Seekers का भी इस्तेमाल हो गया तो Robox पर तो पता है बाकी position क्या है. He is trying going for them, but the blade storm from Jet absolutely insane. सीधा दो पे connect किया था. स्टार्टिंग से वो चीज नहीं हो रही थी, इस राउंड में वो हो भी गई है और इट्स अ 1v4. सुपर सैम हैज टू मेक अ सुपर प्ले इन दिस राउंड, उसको आइसोलेट करनी ही करनी पड़ेगी ये फाइट्स। 7-9 का स्कोर लाइन, धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आखिरी प्लेयर अटैक से बढ़े। ओ अपनी लोकेशन, अपनी पोजीशन बता देंगे। वेल ये रिकॉन डार्ट एंड ड्रोन, थ्रिफ्टी राउंड। ऐसे एंड थ्रिफ्टी, जो हमारा रीजन है और थ्रिफ्टी, ये दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे के साथ जाती हैं। जब जब थ्रिफ्टी आता है ना, उसके बाद तो मानो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। अटैकर्स की हम बात कर रहे थे, अटैकर्स की हम तारीफ कर रहे थे, स्कैडियट किस तरीके से ये राउंड्स निकाले जा रहे हैं, एंड अचानक से एक थ्रिफ्टी राउंड अपने ओपोनेंट्स को दे देना, आप समझिए डिस्ट्रिक्ट 9 का कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा ऊपर। डिस्ट्रिक्ट 9 का कॉन्फिडेंस मानो क्लाउड 9 पे पहुंच गया होगा अभी तो, कि भाई हमने थ्रिफ्टी निकाल लिया, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हुई है, हमारी ओडिन वापस आ गई है, दिस इज द टाइम व्हेन वी विल डू द कमबैक। गैराज में एक बकी हमें दिखाई दे रही है, बकी थोड़ा सा नर्व जरूर हुई है, लेकिन किलजॉय अपने टरेट के साथ उसका सही इस्तेमाल जरूर से कर सकते हैं। फिलहाल शी इज स्पॉटेड, रिकॉन डार्ट में यहाँ पे पकड़े जरूर जा चुके हैं, अंदर आ चुके हैं, लेकिन इनके साथ नाइटमेयर भी पीछे पीछे, एंड देयर यू गो, सही इस्तेमाल हमें देखने को मिलेगा। यूटिलिटी का सोमा विल ट्राई टू प्लांट द स्पाइक, ये टाइम जो छोटा छोटा यूटिलिटी यूज करके बाय किया जा रहा है, दिस विल गिव इनफ टाइम टू द डिफेंडिंग टीम एक साइड पे जमा होने के लिए, एंड नाउ इट कम्स डाउन टू अ 5v5 रीटेक। आज के इस इवेंट में पहला 5v5 रीटेक, एक तगड़ा, यू नो सबके पास वेपन्स, सारी यूटिलिटी सब है, एंड 5v5 अब रीटेक किया जाएगा। एब्सोल्युटली, मैं कहीं ना कहीं देखना चाह रहा था कैसे निकलने वाला है ये अपना ट्रेड ओडी के स्वामी, यहां पे आता हुआ RKB10 मेकिंग शॉट विद दैट शॉक डॉट इन एज वेल, ही विल ट्राई टू गेट हिज टीम एज मच ऑफ दैट एडवांटेज एज पॉसिबल। रिकॉन डॉट उनकी तरफ आता हुआ, वॉक पर खुद को ही इज डाउन, सोवा व्हाट अ स्पैम, व्हाट अ स्पैम, एंड दे हैव गॉट द राउंड दैट दे नीडेड। नन ऑफ द प्लेयर्स, एक सिंगल प्लेयर ने उस रिकॉन डॉट को नहीं तोड़ा, इतना चिल क्यों? लाइक डू यू थिंक रिकॉन डार्ट से सिर्फ पोजीशन पता चलती है? इतना ज़्यादा आपको वो चीज़ वल्नरेबल कर देती है, एंड वल्नरेबल डज नॉट मीन कि किलजॉय वाला वल्नरेबल, बट यस इतना ज़्यादा वो आपको वल्नरेबल कर देती है, बिकॉज आपके ओपोनेंट को आपके हेड के ठीक पोजिशन, आपकी करंट वेपन, किस तरीके से आप खड़े हो, एवरीथिंग बिकम्स क्लियरली विजिबल टू देम, एंड उसमें वो आराम से आपको वॉल बैंग या हेड शॉट या यू नो क्विकली जिगल करके डाउन कर सकते हैं। Why will you do that? क्यों आप वो रिकॉन डार्ट नहीं तोड़ोगे? 8-10 का स्कोर लाइन, दोनों ही टीम्स एक बहुत, देखिए यहाँ पे भी रिकॉन डार्ट को नहीं तोड़ा जा रहा है। Jet, you won't be alive. Me brave. Come on. That was not brave. लमाओ. That was not brave at all. But वहीं पे अगर देखें तो spike plant हो चुका है 1v3 का scenario. And he probably has very less time to defuse the spike. Best choice would be to save the weapon. But again, he wants to take the fight preemptively. He'll be taken down. Astra watching that angle. Another good round coming in from the side of the attacker. Got it? 9-10 ka score line. And attackers, 1-2 ka 4. I hope it's 4-2 ka 1 also. But 1-2 ka 4 yahan pe kaafi zyada close. And yeah. 7-5 se shuruaat ki thi.
7-5 से शुरुआत की थी एंड दो राउंड का फासला था 9-9 होने में. उसके बाद यहाँ पे 9-10 अब हो चुका है, विच मीन्स दे नीड वन राउंड. अब देखिए इक्वलाइजर अगर आ जाता है तब मुझे लगता है कि 1-2-4 आगे बढ़ जाएगी. इक्वलाइजर से रोकना होगा एंड डिस्ट्रिक्ट 9 ये काफी क्रूशियल राउंड होने वाला है इन डिफेंडर्स के लिए. लेट्स सी कि डिफेंस के क्या स्ट्रेटजीज रहेंगे. फिलहाल के लिए पुल किया गया एस्ट्रा साइड का कमान संभाल रहा है. जब एस्ट्रा है तो शायद यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है. एस्ट्रा एंड किलजॉय दोनों ही प्लेयर्स तैनात है. ऑलरूम का भी इस्तेमाल किया जाएगा प्लेयर्स को स्पॉट करने के लिए. पोजीशन मोस्ट प्रोबेबली हैज बीन गिवन आउट टू द ओपोनेंट्स एंड एस्ट्रा जो कि एक बहुत ही अच्छा एंगल होल्ड करके बैठे थे अपने ही एंगल की वजह से यहाँ पे मुश्किलों में आ जाएंगे. सी साइड के प्लेयर्स को ऐसे गिराया जाएगा मानो ताश के पत्ते हैं. स्नीक ही अचानक से आएंगे. बहुत बड़ा यहाँ पे दिक्कत जो देखे जाएंगे. नाउ द प्लांट विल बी डिस्टर्ब्ड. प्लांट हालांकि हो जाएगा. द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग विल बी सोवा. एंड इससे पहले वो हंटर्स फ्यूरी चैन से कर पाते, कुछ प्लेयर्स को डाउन कर पाते, उनके बाकी के खिलाड़ी डाउन हो गए जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अभी. एंड नाउ ही हैज टू टेक 1v3 फाइट व्हिच आई थिंक इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल. एंड देयर यू गो, हमें पता है कि ये क्या करने वाले हैं एंड आई थिंक दिस इज अ गुड डिसीजन. The op uthai and he's going back towards the A, just far away from the players. But देखिए hunt अभी भी चल रही है. They know that he would want to try and save that operator. यहाँ पे सीधा fight हो सकती है. Jump kick का इस्तेमाल. Position figured out. Top shot use हो चुका है. Classic निकालनी जरूर पड़ेगी. He has to take care of the people behind him. But naive. I know, so dirty, Astra. Headphones पहन लो सुबह. Headphones पहन लो because clearly sound आ रहा है that she is behind you. वो आपके पीछे jump कर रहे हैं. वो आपके ठीक पीछे आ चुके हैं. And इससे पहले कि आप कुछ कर पाओ, well बिना गोलियों के आपको down कर दिया गया है. ये कमाल है knife का. बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से. And there you go. 10-10 का score line. Equalizer की बात कर रहे थे. And मुझे लग रहा है कि 1-2-4 is now feeling the game. जब गेम प्लेयर्स फील करना चालू कर देते हैं ना, तब मुश्किल हो जाती है. डिफेंस में इन खिलाड़ियों ने 5 राउंड्स निकाल लिए थे. उसके बाद 7-5 के स्कोर के बाद हमें 6-9 देखने को मिला. अब 10-10 पे आ चुके हैं. एंड मुझे लगता है कि यहाँ से अटैक एक बार वो लय बैठ जाता है ना, एक बार वो आप फॉर्म में आ जाते हो, रोकना मुश्किल हो जाता है. एंड शायद यहाँ पे वो चीज़ हमें देखने को मिले बिकॉज अभी के लिए एस्ट्रा की अल्टीमेट कॉस्मिक डिवाइड एंड किलजॉय की अल्टीमेट यहाँ पे लॉकडाउन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है. मुझे लगता है लॉकडाउन इज मोर देन इनफ आप स्पाइक प्लांट करने के लिए, साइट खाली कराने के लिए. एंड उसके बाद आप एस्ट्रा की तरफ से कॉस्मिक डिवाइड इस्तेमाल कर सकते हो. नैनो स्वॉर्म्स रहने वाले हैं आपके पास. सोवा की तरफ से रिकॉन माय बैड शॉक डार्ट्स रहने वाले हैं ताकि आप प्लांट रोक सको. सो प्लेंटी ऑफ यूटिलिटीज जिससे अभी के लिए अटैकिंग टीम एक अच्छा अटैक दिखा पाए. लेकिन दर्शक और हम एज अ कास्टर, हम दोनों यही इंतजार, हम सभी लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि क्या इस कौन सी वो टीम होगी बेसिकली इस इक्वलाइजर के बाद आगे बढ़ने वाली. डिफेंडिंग टीम के चांसेस कम लग रहे हैं. रीजन उनके पास प्रॉपर वेपन्स नहीं है. लेकिन डिफेंडिंग टीम ने अभी थोड़ी देर पहले एक थ्रिफ्टी राउंड निकाला था. सो अगेन यहाँ पे बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं. एंड अटैकिंग टीम अगर अपने कदमों को फूक फूक के रखे, अर्ली विक्ट्री सेलिब्रेट ना करे, तो मुझे लगता है कि ये इनका राउंड होने वाला है. काफी ज्यादा चांसेस हैं, जैसे कि आप बात भी कर रहे थे स्टार्टिंग में कि आपको एक इक्वल गेम देखना है वेयर इन बोथ द टीम्स आर ऑन इक्वल फुटिंग्स. और वही चीज अभी देखने को मिल रही है. जैसे कि आपने कहा कि एक बार लय बैठ जाती है, एक बार मोमेंटम अगर एक टीम को मिल जाता है तो उसको तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. तो कहीं ना कहीं मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद टाइम आउट यहाँ पे आ जाए. एक टेक्निकल टाइम आउट तो चल ही रहा है, लेकिन मैं वो भी यही सोचना चाहूंगा कि ये अगर टाइम आउट, इस टाइम आउट के बाद वो कोशिश कर सकते हैं इस मोमेंटम को ब्रेक करने की, तो बहुत ही ज्यादा बेटर सिचुएशन में आ जाएगी उनकी टीम. काफी अच्छा डिजाइन यहाँ पे स्नीक बनाते हुए पूरा एक ट्रायंगल कंप्लीट करने की कोशिश थी जो कि नहीं हो पाएगा. थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया उनको. बट आई रियली लाइक दैट आर्ट स्टाइल कमिंग इन फ्रॉम हिम. बट एट द एंड ऑफ द डे इफ वी लुक एट द करंट सिनेरियो, इट इज 10-10 एंड द एडवांटेज इज डेफिनेटली इन द फेवर ऑफ 1-2-4. और अब हम देखेंगे कि वो एडवांटेज क्यों है उनके पास इसी इंस्टेंट रीप्ले के अंदर, जिसमें पता चलेगा हाउ दे वर एक्चुअली प्लेइंग इन दोज राउंड्स. जी बिल्कुल. और दर्शक जरूर किया पिक किसका है ज्यादा लो. लेकिन और कौन सा एंगल क्लियर कर गिवन मैच इस टाइम नहीं आने पड़ा ऑपोजिशन. बट सिवर्स ने नॉट बनाने टेन प्ले सीकर्स का इस्तेमाल इस पोजीशन ऑफ वन मोर गोल फॉर द फर्स्ट टेक ऑफ फॉर दिस मैच. ही शुड हैव एन इंफॉर्मेशन ऑन द स्कोर फॉर एज गेम खत्म नहीं हुआ ने अपना काम कर दिया है. मेन शॉट खिला था और स्टार्ट्स और अब तक जो हमने देखे वो तो यही बता रहे कि हालत थोड़ी सी बदल गई. और कौन सा एंगल क्लियर करने के लिए मेबी टाइम बेटर ऑपोजिशन. बट सिवर्स में नॉट हैज बीन एन
10 Playseekers in the match. Gets in the position of one more goal. He's got the first chance of third. Pick up on this match. He should have an information on the fourth one as well. Let's see क्या होता है, क्योंकि अभी के लिए हम छोटा सा एक टाइम आउट पे हैं. इंतजार करना होगा टेक्निकल इश्यूज के खत्म होने का. एंड दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें बता दें कि पहला मैप हेवन, जिसे मैप डिस्ट्रिक्ट 9 ने पिक किया जो अभी चल रहा है. एंड उसके बाद दूसरा मैप स्प्लिट का होने वाला है, जो रहेगा पिक 1-2 का 4. और तीसरा मैप यानी कि फाइनल डिसाइडर मैप विल बी एसेंट पिक्ड बाय डिस्ट्रिक्ट 9 अगेन. मैं तो चाहूंगा, मैं और स्केयर्ड येट एज अ कास्टर, हम लोग तो चाहेंगे कि यहाँ पे तीनों मैप्स पे आप लोगों को एक्शन देखने को मिले. लेकिन प्लेयर्स ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ तक जाना है एंड कितनी जल्दी मैचेस को खत्म करना है. एग्जैक्टली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी हो जाती है एट द एंड. जिस टीम को पहला मैप मिला है, दे विल डेफिनेटली ट्राई टू एंड इट एट 2-0. उन्हें मौका नहीं देना चाहिए अपने ओपोनेंट्स को बिल्कुल भी. और अगर यहीं पे 1-2-4 ये मैप निकाल के ले जाती है, तो जैसे कि आपने बताया अगला मैप स्प्लिट, जो कि खुद उन्हीं का पिक है, तो हमें पता है दैट दे आर कंफर्टेबल ऑन दैट मैप. हमें पता है कि उन्हें उस मैप के बारे में उसकी ज़्यादा आदत होगी कंपैरेटिवली, एंड वो कुछ प्लेस वहाँ पे ज़रूर बना के दिखा पाएंगे हम लोगों को. सो एक मैप एडवांटेज कहीं ना कहीं, मैं बोलूँ जैसे बोलते हैं ना होम ग्राउंड, वो थोड़ी ज़रूर मिल सकती है उनको इस सिचुएशन में, बिकॉज़ दे विल बी कंफर्टेबल ऑन दैट मैप. तो कहीं ना कहीं देखा जाए, डिस्ट्रिक्ट 9 वुड हैव टू स्विम अगेंस्ट द टाइड इन दैट सिचुएशन, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है. एक अपहिल क्लाइम जिसे हम बोलते हैं, वो भी उनको करना पड़ सकता है. तो उन्हें ये मैप तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, ताकि वो अगले मैप पे अलग मेंटालिटी के साथ जा सके. वेर इन ऑफकोर्स देर वुड बी थिंग्स दैट मे बी 1-2-4 वुड बी कंट्रोलिंग, एंड जिस चीज़ को शायद डिस्ट्रिक्ट 9 कवर ना कर पाए. सो अभी देखना जरूर रहेगा, बिकॉज जस्ट एज यू हैव सेड, दीज नेक्स्ट टू राउंड्स आर गोइंग टू बी सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो सेव राउंड है फिलहाल. तो ऑफकोर्स काफी ज्यादा चांसेस है कि हमें 11-10 की स्कोर लाइन देखने को मिल सकती है 1-2-4 के फेवर में. बट अगला राउंड, जो कि फिर से एक प्रॉपर गन राउंड रहेगा, उसमें डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम के पास रहेगी अब फाइनल एडवांटेज. क्योंकि अगर वो राउंड भी 1-2-4 जीतती है, देन डिस्ट्रिक्ट 9 विल बी गोइंग इन द that final round completely broke. बिल्कुल. तो ये कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने राउंड ब्रेकडाउन किया, इसमें दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि अभी आप, चलिए अंडरस्टैंडेबल, इकोनॉमी आपकी ख़राब है एंड यू आर गोइंग विथ आपके लाइट वेपन्स के साथ. आप बेसिकली पिस्टल, थोड़े से अपग्रेडेड पिस्टल, मे बी शेरिफ वगैरह के साथ आप जा सकते हो, लेकिन आपको अपनी इकोनॉमी थ्रू आउट द गेम, आखिरी जो 3 या 4 राउंड बचे हैं, उनमें इस तरीके से मेंटेन करनी है कि आप आखिरी राउंड में तो एटलीस्ट वेपन्स के साथ खेलो. मैं समझता हूँ कि सबसे अनलकी, नॉट अनलकी, ये गेम लक का नहीं है, ये गेम कैलकुलेशंस का है. सो सबसे अनकैलकुलेटेड राउंड वो होगा कि आप आखिरी राउंड है, ओपोनेंट का 12 हो चुका है, आप मे बी 10 मे बी 11 पे हो, एंड आप स्पेक्टर्स या शेरिफ या पिस्टल्स पे खेलने पे मजबूर हो. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कैलकुलेटेड थिंग यू कैन डू. सो वो चीज मत कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, इकोनॉमी बनाइए, गेस मारिए कि कितना क्या यूज करने से कैसे कहां से राउंड निकाला जा सकता है. मे बी आप एक हीरो फैंटम या हीरो वैंडल का इस्तेमाल करके एंड अपनी इकोनॉमी को, अपने आप को बचा सकते हैं. डू वट एवर यू कैन, जितना हो सके आपसे कीजिए, लेकिन इन आखिरी के 2 से 3 राउंड में अपनी सारी वो चीजें झोंक दीजिए. बिकॉज इसीलिए नहीं कि ये मैप 7-5 का था, आप लीड में थे, यू वर गुड एक्स वाई ज़ेड, इसीलिए कि ये आपका सेलेक्टेड मैप है, इस मैप को आपने चूज किया है. अगर स्प्लिट मैप पे मौका मिल जाता है, तो मैं तो समझता हूं कि 1-2-4 दे आर हियर टू मेक वेव्स. लेट्स सी कि इस मैप में वो लोग क्या करते हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे 1-2-4 जीत जाती है, तो मैं तो बहुत ही आसानी से कह सकता हूँ कि स्प्लिट मैप भी उनका ही होने वाला है, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस सेफ्टी कुशन उनके पास रहेगा. क्या आप उतनी ही तेजी से रिटेलिएट कर पाओगे, एटलीस्ट एक अच्छा जवाब दे पाओगे? We will have to see that. Exactly. कि जैसे कि आपने बात भी करी थी, वो एक अलग क्लाउड पे ही होंगे उस सिचुएशन में 1-2-4, बिकॉज 6-1 डाउन थे इन द फर्स्ट हाफ, एंड उसके बाद उन्होंने एक प्रॉपर कमबैक दिखाया है. सो दिस इज गोइंग टू गिव देम अ मच कॉन्फिडेंस, लिटरली बी अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर देम. बट अभी आप लोगों को अगर खुद को बूस्ट करना है, मेक श्योर टू रिंग द माउंटेन ड्यू, बिकॉज ऑफ कोर्स डर के आगे जीत है, इज गोना गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी टू मेक श्योर टू मेक दोस डिसीजंस व्हिच ब्रेक्स थ्रू द डिफेंसेस और द अटैक्स ऑफ योर ओपोनेंट. जिस चीज का इस्तेमाल भी अभी ये प्लेयर्स कर रहे होंगे, दे आर ट्राइंग टू मेक दोस स्ट्रेटजीज, दे आर मेकिंग श्योर कि उनको पता हो अपने ओपोनेंट्स के क्या मूव रहेंगे. एंड आई कैन एक्चुअली सी अ हीरो राइफल इन दिस राउंड एज वेल, प्रोबब्ली अ वैंडल दैट इज कमिंग इन. सो काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है ये चीज, बिकॉज द थिंग अबाउट सेव राउंड इज दैट
आप कोशिश करते हो कि आप पांचों प्लेयर्स एक साथ रहो या एटलीस्ट चार प्लेयर एक साथ रहो एंड यू ट्राई टू मेक योर वे स्लोली टुवर्ड्स वन एरिया ऑफ द मैप. हो सकता है आपको एक दूसरा एरिया प्रॉपरली गिव अप करना पड़े. ऑफ कोर्स डू दैट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉरवर्ड विद दैट. बट इसमें अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे यू विल हैव द नंबर्स एडवांटेज एंड जैसे जैसे आप अपने ओपोनेंट को पिक ऑफ करते रहोगे यू विल हैव द वेपन अपग्रेड दैट इज बेसिकली गोना गिव यू एटलीस्ट एन इक्वल फुटिंग when it will come down to a 2v2 or maybe a 1v1 or a 3v3 jab aapko ek proper retake karna hoga. So that kind of strategy is something that you know district 9 can actually use in this scenario. Ji bilkul, but abhi ke liye ye sare speculations dhare ke dhare reh jayenge because intezar hai ye timeout hatne ka, technical difficulty khatam hone ki aur actual mein jo round hai वो शुरू होने का. डिफेंडर्स भी पिस्टल चला चला के थक चुके हैं, अटैकर्स वेपन लेके थक चुके हैं. आप देखिए सोवा लाइनअप के साथ रेडी है, बिल्कुल टाइमर हटे और बहुत ही तेज़ी से यू नो रिकॉन डार्ट के लाइनअप के साथ टीम को एंट्री दिलाई जाए. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जहां भी अटैक करना चाहते हैं वहां पे मत रुकिए बिकॉज प्लेयर्स फिर कहीं ना कहीं से समझ जाते हैं कि ये अटैक कहां पे होने वाला है. तो थोड़ा सा इस चीज इन सब चीज़ों के बारे में आपको ट्रिकी होना पड़ता है बिकॉज देखिए लाइव स्ट्रीम पे डीले या चीज़ों पे एक या दो मिनट का होता है टाइम आउट जो है थोड़ा सा लंबा हो चुका है. सो मेक श्योर कि यू एडजस्ट योरसेल्फ एंड आई जस्ट होप कि यहाँ पे हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं कैमरा को बहुत ही बढ़िया तरीके से कैमरामैन रमेश के साथ SCGC आप देख रहे हैं. ये देखिए कैमरामैन रमेश चौरसिया बस एक बैंगर गाना और चल जाए बैकग्राउंड में मजा ही आ जाएगा. मजा ही आने लग जाएंगे. बिल्कुल. सो ये सारी फन चीज है, यू नो दीज आर द स्मॉल मोमेंट्स दैट एवरी दीज आर द थिंग्स दैट पीपल मिस आफ्टर द टूर्नामेंट. तो मेक श्योर कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर रहे हो स्ट्रीम ताकि वो सब भी मिलके देखें और एंजॉय करें इस गेम को एंड सीखे इस गेम से कई चीजें, अ लॉट ऑफ थिंग्स, मे बी सम लाइनअप्स दैट यू डिड नॉट नो, मे बी सम कॉम्बोज दैट यू डिड नॉट नो, मे बी सम काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज दैट यू प्रोबेबली डिड नॉट थिंक ऑफ, और मे बी आपको उस चीज का आइडिया था बट यू डिड नॉट इम्प्लीमेंट इट. तो उस चीज को इम्प्लीमेंट होते हुए देखो, यू नो दिस इज एंटायर प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड आप जितना ज्यादा सीखोगे आप उतना ज्यादा इंप्रूव करोगे एंड जितना ज्यादा इंप्रूव करोगे आप उतना स्ट्रांगली खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड इसी स्ट्रेंथ के साथ हम आगे बढ़ेंगे यार. दिस गोना हेड इनटू द राउंड नंबर 21st. 10-10 is the score. Finally going to see both of them coming in and Robo getting a pick off on Sova so very quickly. अब ये एक बहुत ही बेहतरीन पिक ऑफ है क्योंकि अब आपके पास आउलड्रोन्स नहीं है, अब आपके पास रिकॉन डार्ट्स नहीं है टू नो कि ये हिट कहाँ पे आएगा एंड अब आपको सिर्फ एक गैम्बल ही करना पड़ेगा, एक साइड के ऊपर ही स्टैक करना पड़ेगा एंड दे एक्चुअली स्लोली ट्राइंग टू मेक देयर वे फ्रॉम द ए लॉन्ग. लेकिन मी ब्रेव यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पिक ऑफ निकालते हुए केजे के ऊपर सेंटिनल को पिक ऑफ कर लिया है एंड इज गिवन द क्यू टू हिज टीम कि साइट इज एब्सोल्युटली फ्री, आप जाइए सीधा टेक करिए, आई विल ट्राई एंड प्ले द लर्क एंड उसी चीज को निभाते हुए नाइटमेयर शायद उनको कोई आइडिया ना हो. मी ब्रेव की तरफ हम देख रहे हैं नाइटमेयर प्रॉब्ली हैज जरूर मिल सकता है यहाँ पे लेकिन स्टैकिंग कंटिन्यूस होती हुई 1v2 का सिनेरियो रेना के लिए. स्नीकी और स्नीक प्ले नहीं कर पाएंगे, रोबो ने किया उनको शट डाउन एंड दैट इज गोइंग टू बी द 11th राउंड फॉर द साइड ऑफ 1-2-4. जी बिल्कुल, 11-10 का स्कोर लाइन काफी ज्यादा क्लोज पहुंचा दिया था. देख के लगा था मानो स्नीकी को अगर कोई भी प्लेयर खुले में मिल जाता तब तो उनको डाउन करके एंड 1v1 एंड मे बी यहाँ पे एक वापस से 350 हमें शायद देखने को मिल जाता. बट चलिए अच्छी बात है, एक अच्छी कोशिश में कहना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट 9 की तरफ से. 11-10 का स्कोर है, जैसे कि हमने स्पेकुलेट किया था, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अब आपके पास वेपन्स आ चुके हैं. आर यू रियली हियर टू मेक वेव्स एटलीस्ट ऑन दिस मैप द मैप विच यू हैव सेलेक्टेड? वेल दिखा दीजिए हमें. सो यहाँ पर रिकॉन डार्ट का इस्तेमाल करेंगे एंड उस रिकॉन डार्ट से प्लेयर्स को स्पॉट करके अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन जरूर से दे देंगे एंड वही इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं अटैकर्स को ये भी तय करने पे मजबूर करेगी कि आपको ये साइड कमिट करना है कि नहीं, बिकॉज अभी के लिए स्पाइक ए के बाहर रखा गया है एंड यहाँ पे सिर्फ आवाजें की जा रही हैं. सोवा हैज बीन स्पॉटेड, कंटेस्ट भी कर दिया गया है एंड अभी के लिए हेवन पे स्मोक्स नहीं देखने को मिले, विच मींस मुझे लगता कि ये प्लेयर्स कमिटमेंट के लिए आने कमिट करने वाले हैं. स्पाइक को उठाया गया एंड लेट्स सी जॉय लॉकडाउन के बाद यहीं पे कमिट किया जाएगा या इज दिस अ फेक बीइंग सोल्ड.
के पास डिफेंस में रहने वाली है कॉस्मिक डिवाइड नाइटमेयर इज रेडी एंड मुझे लगता है कि यहां से ये राउंड जरूर से आना चाहिए 11-11 का स्कोर लाइन जरूर से होना चाहिए एब्सोल्युटली डिफेंसिव आश्रम सीधा पिक ऑफ यहां पे कर भी दिया गया था स्नीकी एक ट्रेड के साथ आते हुए दो वाले फाइनल स्नीकी को भी टेक डाउन कर लिया है हेल में फाइट होती है वन की वाह स्नीकी जीतते हो ही टेक्स डाउन द ओपोनेंट जेट एज वेल इट्स कम डाउन टू ओ टू अगेंस्ट 1v1 एंड ही हैज टू स्टॉप द रिफ्यूज एंड यहां पे जेट फटाफट अपना डैश भी यूज करते हुए ही विल ट्राई टू गेट द रिफ्यूज एंड स्पैम यहां पे आता हुआ लेकिन अभी कनेक्ट नहीं हुआ शॉट एंड गॉट टू बी द क्लच राउंड एस्ट्रा पिक्स जेट ऑफ एंड जैसे कि हमने बात करी थी that it might be team district 9 who will go broke in their final round wohi cheez hoti hui dikh rahi hai one second people I gotta visit the astral to play some scoreboard ki taraf zarur se badhna chahenge ek bar kill feed I mean scoreboard ki taraf agar hum bad paaye producer sahab agar aap tap daba de to shayad hame pata chal jayega ki kiske kitne kills hain plus kiski kitni economy hai thank you very much and yahan pe judge broken weapons 2600 josephix ke paas zarur hai shayad usse koi to weapon at least apne liye buy kar hi sakte the but yahan pe ye player buy nahi karega ultimate ke sath aage jayenge understandable but aakhri round hai to koi weapon buy zarur karna and ab to aise scoreline pe aa chuke hai ki every round is the last round अल्टीमेट के साथ यहाँ पे आगे बढ़ा जाएगा स्नीकी काफी ज्यादा आगे चले गए थे उनको पिक ऑफ जरूर किया जाएगा जेट यहाँ पे ट्राइंग टू डू समथिंग मी ब्रेव उनको स्टॉप करेंगे एंड देयर यू गो सिर्फ दो प्लेयर्स डिफेंस में बचे हुए हैं एंड ये चीज हमें क्या संकेत देता है ये चीज शायद यही बताने की कोशिश कर रहा है कि द गेम इज ओवर बिकॉज एक प्लेयर के पास शॉट गन है दूसरा प्लेयर में भी वेपन डेफिशिएंट के साथ थोड़ा सा अपग्रेड जरूर किया जाएगा एंड देयर यू गो बहुत ही बढ़िया शॉट 3 HP पे जिंदा द लास्ट प्लेयर हैज बीन स्पॉटेड लॉकडाउन मुझे नहीं लगता कि 1v4 में आप लॉकडाउन से कुछ भी आउटपुट जो है वो निकाल पाओगे लॉकडाउन सबसे पहले ब्रेक करने की कोशिश है इसी बीच रोबो यहां पे किलजॉय को डाउन करते हुए नजर आएंगे अटैकर्स जीत चुके हैं एक अच्छी कोशिश मैं कहना चाहूंगा लेकिन बहुत अच्छा विक्ट्री यहां पे मैं कहना चाहूंगा ओपोनेंट यानी कि 1-2 का 4 ने निकाला इसको ब्रेक डाउन किया जाए या यू नो इसकी गहराई समझी जाए तो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं 1-6 का स्कोर लाइन था इट वाज 1-4 दे वर लूजिंग टेरिबली एंड 1-4 के बाद वी वर जस्ट लाइक कि कब यू नो इन अल्टीमेट्स यूटिलिटीज का इस्तेमाल करके एंड ट्रैक पे आएगी ये टीम एंड ये टीम मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही सीरियस ले गई बिकॉज ट्रैक नहीं पूरा का पूरा मैराथन ही इन्होंने जीत लिया 13-10 का स्कोर लाइन 1-1 करके यहाँ पे इन्होंने विक्ट्री हासिल की एक करके राउंड्स बनाते गए आखिरी के जब जहाँ पे मैच इंटरेस्टिंग हो गया उस पल तो मानो कोई भी रोकने वाला नहीं था स्कोरबोर्ड की अगर बात करें स्कोरबोर्ड की तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें वेल कांट सी द स्कोरबोर्ड क्योंकि सीधा मैंने सबसे टॉप फ्रैगर के किल्स तो यहाँ पे जरूर देख लिए थे एंड दैट वॉज 29 सो ही हैज गॉट 29 का स्कोर एंड कहीं ना कहीं ये जो सिनेरियो पूरा बन के आया था हम It's who else? Robo. We saw him in the 11th round जब उनके पास 18 finishes already थे। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज तो जरूर बोलूंगा कि Robo को shut down करने में opponent कामयाब जरूर हो गए। काफी अच्छे तरीके से उनकी उस you know जो killing spree चल रही थी उसको control जरूर कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद वो अपने plan को fully execute उस हिसाब से नहीं कर पाए जैसा कि expect किया था उन लोगों ने। लेकिन I would seriously say An insane comeback coming in from the side of team 1-2 ka 4. 6-1 se down and fir se comeback. Bilkul. I mean, हम लोग हार मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे अपना मोटिवेशन डाउन कर लेते हैं कि इतना डिफरेंस चल रहा है क्या हम जीत भी पाएंगे और उसके बाद रोबोक्स वो एक खिलाड़ी थे जिन्होंने हमने देखा था ही वाज ऑन 18-5 और समथिंग और जिस तरीके से इस प्लेयर ने खेलना चालू किया मानो अपनी पूरी की पूरी टीम में दम भर दिया स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए वेल हम लोग देख सकते 29-30 किल्स ऑलमोस्ट 14 डेथ एंड 5 असिस्ट के साथ 2 फर्स्ट ब्लड ऑन द अदर हैंड स्नीकी की बात मैं जरूर करना चाहूंगा रेना खेल रहे थे डोलिस खेल रहे थे अपनी टीम की तरफ से 8 फर्स्ट ब्लड ही डिड हिज जॉब बहुत ही अच्छा काम किया एज अ रेना जितना सदा आपको स्ट्रेच करना चाहिए पूरा का पूरा उनकी तरफ से हमें देखने को मिला
ऑन द अदर हैंड बाकी प्लेयर्स बहुत ही बढ़िया प्लेज हमें उनके तरफ से भी नजर आए। मी ब्रेव की अगर बात कर ली जाए, रोबो विल बहुत ही अच्छा प्ले एज ए इनिशिएटर इन्होंने दिखाया जरूर, लेकिन मी ब्रेव ड्यूलिस्ट और ड्यूलिस्ट थे, 6 फर्स्ट ब्लड इनकी तरफ से भी नजर आए एंड सब पूरे टीम के कंबाइंड प्लेस जो हैं वो बढ़िया थे जिसके वजह से यहाँ पे विक्ट्री हासिल की। तो थोड़ी देर का एक छोटा सा आई थिंक हम अब यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ने वाले हैं दोस्तों, और उसके बाद अगला मैच जो है वो भी शुरू होता हुआ हमें नजर जरूर आ सकता है।
So hello ladies and gentlemen, boys and girls and all the valiant lovers, welcome to another day at Score College Gaming Club. We are at Amity University, जैसा कि आप सब जानते हैं, SGC का यहाँ पे exclusive Valorant tournament हम यहाँ पे student gaming club के लिए hold कर रहे हैं. Alongside us today we have our brand partners, wherein Intel has supported us with top of the line hardware, Mountain Dew is our beverage partner, network is supported by TP-Link with the top of the line peripherals and in-wallet partner, we have TapTap powered by Visa. ये event बहुत ज़्यादा मज़ेदार था and Haven map जो अभी map video की तरफ हम लोग आ चुके हैं, so दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हेवन मैप हम खेल चुके हैं, विक्ट्री यहाँ पे ऑलरेडी 9-1-2 का 4 जो टीम है उन्होंने हासिल कर ली है. एंड अब हम देखने वाले हैं स्प्लिट मैप जो कि कॉम्पिटिटिव पूल से बाहर हो चुका था. क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिवर्क करना था एंड रिवर्क हो चुका है, द मैप इज बैक विद अस. तो चलिए सीधे बढ़ेंगे स्प्लिट की तरफ एंड मैं जानना चाहूंगा आपसे कि स्कैडिएट आपको क्या लगता है कि कैसा मैप है एंड क्या एजेंट, सबसे पहले कौन से एजेंट्स आपको लगते हैं कि यहाँ पे हमें आज देखने को मिलेंगे. यही चीज हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे एंड वी केम टू द कंक्लूजन दैट ब्रीच इज सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर प्लेइंग ऑन स्प्लिट. क्योंकि जो यूटिलिटीज है, जैसे वो कॉर्नर्स क्लियर करता है एंड जो फ्लैशेस है, द फ्लैश पॉइंट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट ताकि आप सीधा सरप्राइज करो अपने ओपोनेंट्स को. एंड आप ही ने मेरे को बताया था वो सीधा फ्लैश का यूज करके टॉप की तरफ जाते हैं एंड दे मेक श्योर टू ग्रैब दैट एंटायर एरिया. नाउ उसी के बाद आपने बात भी करी थी कि रिवर के लिए ये गया था मैप एंड द रीजन वाज दैट इट वाज सो डिफेंस साइडेड. कैसे कई कॉर्नर्स है जहां पे आपको दोनों ही साइड चेक करना है, आप तीन लोग अगर स्विंग नहीं करोगे तो आप कुछ कर नहीं सकते एंड डिफेंस सेटअप ऐसा होता था कि आप सीधा लाइन में सब फिनिश होते हो. सो दोस कॉर्नर्स हैव बीन कट, तो वो कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसकी वजह से अब फाइनली थोड़ा अटैकर्स को भी कुछ ना कुछ एटलीस्ट करने का तो मौका मिल ही जाता है. आपको करना ही करना है इस मैप पर. जी बिल्कुल, अगर आप डुअल इनिशिएटर के साथ जाना चाहते हो या अगर आप ब्रीच के साथ नहीं जाना चाहते तो मैं समझता हूँ कि गेको जो कि एक बहुत ही नया एजेंट है, इसका भी पिक हमें शायद देखने को मिल सकता है. बहुत ही बढ़िया इनिशिएटर है एंड उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, विंगमैन कह लीजिए, मॉशपिट कह लीजिए या फिर सबसे बढ़िया अल्टीमेट, सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मदद करती हैं स्प्लिट में. स्प्लिट इस मैप में खासकर अगर आप यहाँ पे गेको को एज अ इनिशिएटर चूज करते हो तो वेल बहुत सारे स्पेकुलेशंस, बहुत सारी बातें. अब समय आ गया एक्चुअल में एजेंट सेलेक्ट की तरफ बढ़ने का एंड देखने का कि सच में प्लेयर्स किन एजेंट के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं. एग्जैक्टली, आई मीन मैं तो देखना चाहूंगा गेको बिल्कुल जरूर, क्योंकि बहुत मजा आता है विंगमैन को ऐसे प्लांट करते देखने में, ऐसे छोटे से निकल के जा रहा होता है नहीं प्लांट या फिर गेट्स द डिफ्यूज. पर वहीं पे अभी देखेंगे कॉम्पोजिशंस में ब्रीच लॉक जरूर कर लिया है एक टीम ने, बट वहीं अटैकर्स आर एक्चुअली डिसाइडिंग टू गो विद द स्काई. दे गॉट डबल सेंटिनल कॉम्पोजिशन विद द किलजॉय एज वेल एज द सेज, तो ये चीज मैं जरूर देखना चाहूंगा अब इसको कैसे इस्तेमाल करता है. कॉस्मिक डिवाइड भी उन्होंने ले लिया है, सो एक्स्ट्रा को भी उन्होंने लॉक करके रखा हुआ है. सो आई मीन जस्ट लुकिंग एट द कॉम्पोजिशन, आई पर्सनली एम गोइंग टू से गेम आई एम टूवर्ड्स द डिफेंडर्स इन दिस गेम. ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है कॉम्पोजिशन डिफेंडर्स का कंपैरेटिवली बेटर है. अब वो एजेंट्स किस तरीके से किस किस लेवल पे इस्तेमाल होंगे वो भी हमें देखना जरूर होगा. दोनों ही टीम्स वही क्लासिक एजेंट्स के साथ जाना चाहेंगे, नियॉन, फेड, गेको. ये जो न्यू एडिशंस थे ये कोई भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे, वही पुराने क्लासिक एजेंट्स. एंड एस्ट्रा एक बार फिर से कंट्रोलर का गेम प्ले, एक नाइटमेयर थे एंड एक दूसरे प्लेयर थे जिन्होंने नेम हिडन रखा था, सो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो हु ही इज, बट उनका नाम एस्ट्रा था इतना हमें ज़रूर पता है. फिलहाल के लिए राउंड शुरुआत हो चुकी है एंड वी होप कि और ज्यादा टेक्निकल डिफिकल्टीज देखने को ना मिले. पहला मैप ऑलरेडी क्लियर जीत चुके हैं, देयर यू गो, रोसिफिक्स इतना आगे पुश कर जाएंगे. ब्रेव ने ये सोचा नहीं था एंड ब्रेव अगर आपको वहाँ पे अलार्मबट लगाना था तो वो बहुत पहले आपका डिसीजन होना चाहिए था. आप तो देखिए राउंड की शुरुआत हुई नहीं, 10 सेकेंड्स हुए नहीं, स्कैडिएट एंड 4v5 ऑलरेडी आप एक प्लेयर के नुकसान पे अब खेलोगे. एग्जैक्टली, तो वहीं पे काफी ज्यादा दिक्कत भी उनको आने वाली है बिकॉज They've lost Killjoy. Yes, एक sentinel उनके पास जरूर था जो कि काफी ज़्यादा फायदा देता है probably even in the after plant position and the nano sword has been so good to clear those angles. तो वो है ही नहीं उनके पास.
They have to work with the flashes of sky that will be coming in. They would have to make sure to use the smokes of Astro in this situation. But Robo ko dekhi kitna deep jaa chuke hai wo side mein. Are so they have got an idea. And see the pick up bhi nikal liya hai yahan pe bahut behtareen play. But the retaliation comes in. Lekin look at the position of the attacker. Super Sam takes down Breach with a classic. That is exactly what they need. Would be a nightmare. Ka ek acha flank. Koshish achhi thi Sam ki. But uske baad position noted and one by one everyone falls like skittles and the round goes for the attackers. I mean, first blood mil chuka tha, defensive team ke paas ek player ka advantage tha, uske bawajood ye round haar jana, ye thodi si buri khabar main manunga zarur, lekin chaliye abhi to match shuru hua hai, to hum apni puri, I mean, ek taraf jo ab ke liye nahi chahiye. Haan, District 9 ka ye round hona zarur chahiye tha, but koi baat. मैं अभी के लिए 1-2 का 4 के पास क्राउन आ चुके हैं एंड मैं तो ये भी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि ये हाफ जब खत्म होगा तो कहाँ पे खत्म होगा. फिलहाल के लिए स्नीकी जो कि रेना खेल रहे थे अभी फिलहाल रेस पे नजर आ रहे हैं. पेन शेल के साथ रेडी एंड ये पेन शेल डैमेज देगा जरूर. प्लेयर्स फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे विच मीन्स पेन शेल भी रेंडर्ड थोड़ी देर पीछे जरूर ढकेला बट किसी को डैमेज जो है वो देखने को नहीं मिला. The swing from me brave. दो pick off निकाल लिए. सीधा एक फायदा दिया अपनी टीम को and now they've got everything in the world. Got all the time. Okay, one for one trade sneaky को pick off भी कर लिया है finally. But the plan will easily go in 2v4 का situation. Where are you, King Astra? That was a very cheeky finish. 3v2. It is still doable. They can get the weapon upgrade in this situation. Me brave. He's just holding that position. He's holding that angle. Will he be able to... No. Looking. Where was he looking? इतना ही इतना भी गन मत छुपाइए कि आपको पता ही ना चले कि आपके आसपास प्लेयर्स कौन से हैं. फिलहाल ब्रीच डिफेंस में अकेले आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं. करेंगे या नहीं वेल स्कोप विल डिनाई हिम. स्कोप उनको टेकडाउन करेंगे. सेज और स्कोप दोनों ने मिलकर खेला एंड ब्रीच को यहाँ पे टेकडाउन करने में कामयाब भी रहे. 0-2 का स्कोर लाइन विच वॉज एक्सपेक्टेड. चलिए मैं डिफेंसिव टीम की दाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा पहुँचाया. सिर्फ आखिरी के दो खिलाड़ियों को ही जिंदा रहने दिया. एग्जैक्टली एंड अभी ये जैसे बात कर रहे थे यू नो द मोमेंटम दैट वी वर बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है व्हेन यू मूव टू मैप नंबर 2. यस बीच में ब्रेक भी आया हुआ था बट उसके बावजूद दैट कॉन्फिडेंस दैट बूस्ट वो काफ़ी ज़्यादा इस यू नो गेम के अंदर एक्ट अप भी करेगा. तो अभी देखना ज़रूर रहेगा थर्ड राउंड किसकी तरफ जाता है. टेक्निकली देखा जाए तो डिफेंडर्स की तरफ जाना चाहिए बिकॉज दिस शुड हैव द बेटर वेपनरी इन दिस केस. बट लुकिंग एट हाउ वेल कोऑर्डिनेटेड द अटैकर्स आर प्लेइंग इन दिस स्पेसिफिक सिनेरियो एंड लुक एट द वे दैट दे You know, slowly sneak up. They're going in towards the seaside. Oh no, they've actually decided that they would want to play in for someone else. But they'll try, probably. I personally feel like that they'll try to make the noise towards the A. And uske baad wo C ki taraf hit karenge. And ek lurk wo chhod denge. Taki ek aad pick-off zarur nikal sake rotation ko catch up karne ke liye. So, that's what I think might happen in this round. But again, wo sab bhi speculations hai. Dekhna hai kaise apni utilities ka istamal karke wo is round mein approach karte hain. जी बिल्कुल. और मैं तो ये भी समझता हूँ कि डिफेंडर्स के पास अच्छे वेपन्स होने वाले हैं तो कहीं कहीं थोड़ा सा उस चीज़ का रिस्पेक्ट जो अटैकर्स को है वो करना चाहिए. प्लस कोशिश करनी होगी कि डिफेंडर्स के जितने से ज़्यादा जितने हो सके वेपन डाउन किए जा सके. अगर राउंड भी जीत जाते हैं तब तो स्वागत थ्री ऑन द केक. लेट्स सी. अभी के लिए फिलहाल प्लेयर्स मिड की तरफ बढ़ते हुए पेंशल यहाँ पर रेडी है. जैसे ही स्काई के ट्रेल ब्लेजर से कोई डिटेक्ट होगा पेंशल का इस्तेमाल फिलहाल एस्ट्रा ट्रेल ब्लेजर को यहाँ पर डाउन करेंगे एंड इसी बीच यहाँ पे साइड की तरफ धीरे प्लेयर्स एंट्री करते हुए नजर जरूर आएंगे. थोड़ा सा एचपी थोड़ा सा हेल्थ जो है वो एस्ट्रा लूज जरूर करेंगे. मिड पे आवाज़ करने के बाद प्लेयर्स धीरे धीरे ए की तरफ बढ़ते हुए रोप रूम की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे. वेल क्या इस चीज़ को रीड किया है ओपोनेंट्स ने क्या नहीं. District 9, you have to be ready for this. Exactly. और अभी बियाली में nightmare आराम से अपना wait कर रहा position hold करके DJSS भी slowly आगे बढ़ेंगे and this is going in towards that seaside. तो जो चीज़ अब predict करी थी वही होती हुई. रूसी फेक यहाँ पे टेक डाउन करने की कोशिश. दो को निकाल दिया तीन को उनकी टीम ने मिलके निकाल दिया and they have shut down this entire attack. Nightmare with a lurk finishes KJ off. As well, they've basically got the entire round. Is this Reyes remaining in this situation? Nightmare. Okay, 30 seconds left. Now, woh fir 1v1 mein jeet payenge. Last player, unko pata hai unki position. Almost.
But he'll be calling in for the backup because he knows 23 seconds he bache hai round mein. They've won the round. They will just make sure ki wo, you know, finish off kar de. That's the final bullet in the head. Only 5 HP was remaining for Razan. That was a very well played defense from the side of the defenders. जी बिल्कुल, एंड रोबॉक्स पर काफ़ी ज़्यादा लो भी थे. आई मीन ही वॉज बेयरली सर्वाइविंग, 10 HP से भी कम थी उनके पास. तो राउंड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी. हाँ, यहाँ पे अगर इन केस वेपन सेव कर लेते या ऐसा कुछ डिसीजन या थोड़ा सा और डैमेज दे देते ओपोनेंट्स को तो अच्छी बात होती. फिलहाल के लिए दे गॉट टू पिक्स, ओपोनेंट्स को राउंड मिल गया. दोनों यहाँ पे खुशी खुशी अगले राउंड की तरफ बढ़ते हुए, एंड ये एक इंपॉर्टेंट राउंड होने वाला है. यहाँ पे दोनों ही टीम के पास बराबर वेपन्स होने वाले हैं. लेट्स सी कि जब वेपन्स बराबर के होते हैं स्कैडियट तो कौन किस पे भारी पड़ता है, कौन बाजी मार के लेके जाता है. ए साइड की तरफ यहाँ पे दो प्लेयर्स तैनात हैं, होल्ड कर रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड बी की तरफ यहाँ पे अटैकर्स पूरा शोरगुल करते हुए, सो मे बी दे आर ट्राइंग टू सेल अ फेक. एंड मिनी मैप की तरफ अगर दर्शक और हम ध्यान से देखें तो हम देख पा रहे हैं कि फेक सेल होने में कामयाबी मिल रही है. बस स्नीकी यहाँ पे रुके हुए हैं, एंड जैसे ही स्नीकी हटेंगे उनको डाउन किया जाएगा. एंड देयर यू गो, द साइट इज ओपन फॉर बिजनेस. अटैकर्स को यहाँ पे बी साइट ओपन मिल चुका है. हालांकि ब्रीच यहाँ पे एज अ प्रॉब्लम जरूर है. वेल ब्रीच द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग हैज बीन स्पॉटेड, एंड आई थिंक कि यहाँ पे इजीली उसको इग्नोर करके और दूसरे साइड रोटेट किया जा सकता है. एंड फाइनली फिनिश ऑफ भी कर दिया है उनको सीधा. एंड यू नो जस्ट लुकिंग इन दिस एंटायर सिचुएशन, उन्होंने ये प्लान नहीं किया कि हाँ मैं इसी साइड पे एंड करने हैं उसी साइड पे. उन्होंने प्रीएम्प्टिवली दोनों साइड्स पे फाइट ली, एंड वो दोनों साइड जीते हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. दे मेड श्योर कि वो कोशिश करें अपने उस नंबर के सिनेरियो पे खेलने का, दैट इवन इफ दे आर टेकिंग द फाइट दे विल ट्राई टू पिक वन पर्सन ऑफ एटलीस्ट, वो वन फॉर वन ट्रेड भी कर ले किसी तरीके से, एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सी साइड थोड़ी कम स्टैक्ड है. बट apparently they just managed to win the duels on the both of those ends. So stopper ka bhi istemal kar liya gaya tha wahan pe raise ne. What? galat dash bahut zyada galat dash. And aap shukr manaiye aap abhi zinda kaise hain, ye operator aapke haath mein kaise hai, isi ke bare mein aap shukr manaiye. Filhal ke liye sneaky sharif ke sath bahut hi badhiya plays dikhate hue cross hair deewar pe, and deewar ko challi challi kar denge. Player ko bilkul bhi touch nahi hoga दीवार, हालांकि डैमेज जरूर हो जाएगी. दो बढ़िया प्लेयर्स हमें डिफेंडिंग टीम की तरफ से देखने को मिला, पहला जेट का डैश और दूसरा स्नीकी की तरफ से शरीफ. देख के मज़ा ही आ गया, मानो रोम रोम खुश हो गया. एंड इतना ज़्यादा मज़ा आ गया कि ओपोनेंट्स ने भी कहा भाई ये साइड छोड़ दो, दिस इज कर्स्ड, अपन ए चलेंगे, लेट्स गो. Yes, that is correct. वहीं पे एक लर्क भी उन्होंने छोड़ दिया है सीधा, and they will try to take these fights. एक सीधा निकाल लिया है, RKB को pick off करते हुए. Now they've kind of got the control of the site as Sneaky falls as well. Sheriff से कोशिश जरूर थी play करने की, लेकिन वो shots connect नहीं हो पाए. उससे पहले उनके ऊपर headshot connect. How did he win that trade? He should not have, but again, those quick fingers coming in. लेकिन अब आपके पीछे से मीब्रे आ रहे होंगे, तो उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते. When you have got to watch the angle in front of you, no one covering for his backs, but they know the position of at least Killjoy in this situation. Then mind, अभी wait करेंगे नासवाम के जाने का. Turret has been activated, 95 HP, and he will be taken down as well. Only nightmare remaining, जिसको सीधा shutdown भी कर दिया था scope ने. So that is going to be yet another win coming in for their side, 4-1. जो चीज हमने पिछले गेम में देखी थी, इस बार बिल्कुल पिटी चीज हो रही है. जी बिल्कुल, लेकिन ये चीज देखना होगा अगेन स्कैडियट. ये बात मैं भी कहने वाला था कि उल्टी चीज हो रही है, लेकिन हमने देखा कि 1-2 का 4 ने, जैसे आपने कहा ना, टर्निंग अगेंस्ट द टाइड, वो स्विम करके आए, उन्होंने विक्ट्री हासिल की. क्या वो चीज हमें डिस्ट्रिक्ट 9 की तरफ से देखने को मिलेगी? क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट 9 को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. वो अगर हारते हैं तो 2-0 के साथ ये गेम खत्म हो जाएगा. इसलिए देखना जरूर होगा कि क्या यहाँ पे रिवर्स कर पाएंगे. अभी के लिए डिफेंसिव टीम बिल्कुल भी यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है इनकी तरफ से नजर नहीं आ रहा है. दे आर ट्राइंग टू होल्ड, बट एक एक करके पिक किया जाए. देखिए इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, एंड अगर आप देखें तो पूरे के पूरे डिफेंडर्स ए साइड पे रोटेट कर चुके हैं. ओनली वन प्लेयर किलजॉय इज होल्डिंग बी साइड. ऑन दी अदर हैंड स्पाइक के साथ धीरे धीरे मूवमेंट यहाँ पे बी साइड की तरफ बढ़ाया जा रहा है. एंड आई थिंक द प्लेयर्स आर कन्फ्यूज, और मे बी देर इज लाइक देर आर सम कॉल्स की चलो लेट्स हिट ए अगेन. वेल नो, मिनी मैप पे अगर हम देखें क्लियरली 3 प्लेयर्स आर रोटेटिंग टुवर्ड्स बी. किलजॉय इज द सोल प्लेयर होल्डिंग इट, एंड उन्होंने अपने अलार्म बोर्ड जिनको उन्होंने मेन की तरफ प्लेस किया था उसे रिकॉल कर लिया. सो टरेट इज द ओनली लाइन ऑफ डिफेंस जो कि प्लेयर 3 यानी कि किलजॉय को यह इन्फॉर्मेशन देगा दैट यस द अटैक इज हैपनिंग ऑन बी साइड. आई एम जस्ट वेटिंग, जिस तरीके से ये ए साइड पे कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या किलजॉय को भी वो फेक सेल करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं?
Exactly, that is going to be the question. But फिलहाल KJ not moving an inch, not bulging at all. And B side के ऊपर execute begins. They've basically got the entire side for absolutely free. Trailblazer say they managed to, you know, scan the entire side. So now they know कि players अब सिर्फ rotation ही करेंगे and all they need to do is just hold that rotation and देखिए lurk play जिसकी हम बात कर रहे थे वो आता हुआ यहाँ पे contact जरूर होएगा 1v1 fight देखना jet जीतेंगे उसको या फिर killjoy and killjoy that is me they wins that duel and is basically in short एक backstab तो नहीं होने वाला है but Raze probably wants to turn it around and looking at the afterplant position is extremely solid after shock यहाँ पे use होता हुआ rolling thunder भी आता हुआ sneaky एक team निकालते हुए देंगे अपनी team को and बिल्कुल भी respect नहीं कर रही टर्न माइंड एक टर्न डाउन हाउ डिड डीजेएसएस आई मीन नॉट नोटिस डन माइंड देयर एंड इट इज अ परफेक्ट रीटेक फ्रॉम द साइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट 9 एंड दैट वाज थ्रिफ्टी थ्रिफ्टी एग्जैक्टली परफेक्ट रीटेक तो था ही जैसा कि आपने कहा साथ ही साथ यहाँ पे एक थ्रिफ्टी विन भी देखने को मिला देखिए जब भी आप गेम खेलते जैसे कि हम हेवन मैप में बात कर रहे थे किलजॉय के पास अल्टीमेट है तो सोवा को अलर्ट रहना होगा कि जैसे ही अल्ट यूज हो मैं उसकी अल्ट को अपने हंटर्स फ्यूरी से तोड़ दूँ सो राइट ये एजेंट जिस तरीके से खेलते हैं वो चीज़ कहीं ना कहीं टीम को भी रीड करनी होती है कि हम चारों लोग साइट पे ही बैठे हुए हैं ब्रीच हैज अल्टीमेट उनकी एस्ट्रा के पास भी अल्ट है एंड अगर ब्रीच ने अल्ट कर दिया सो कोई एक प्लेयर नहीं होगा जो मेन से यू नो डिफेंड वगैरह कर पाए एवरीबॉडी वाज ऑन साइट ब्रीच ने अल्टीमेट किया एंड बस आराम से एक इजी एक बहुत ही प्यारा सा रीटेक हमें देखने को मिला सो आपको अपने ओपोनेंट की क्या यूटिलिटी बची है एंड इसके क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए रोसिफिक्स सभी के लिए बाहर आएंगे किलजॉय थोड़ी सी दिक्कत में जरूर रहने वाले हैं एंड ऑन द अदर हैंड अटैकर्स को रोकने में भी कामयाब रहेंगे फिलहाल के लिए द लाइन ऑफ डिफेंस इज रोसिफिक्स की ऑपरेटर एंड ये ऑपरेटर चले इससे पहले रोबो रोबो उनको डाउन कर जाएंगे पिंक शेल में इसी बीच यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा वेल नाइटमेयर इतनी आसान बिकॉज रोबो अब खुल चुके हैं देयर यू गो डोंट माइंड विल टेक स्काई डाउन And I think ultimate ready है so again एक retake देखने को मिल सकता है हमें बस थोड़ा सा बच के रहना होगा ये जो अच्छे से player आ रहे हैं इनसे exactly and I mean Robo ने अपनी टीम को वो ओपनिंग दिलवाई है जो बहुत ज्यादा जरूरी थी and they managed to take the whole of the set plant भी कर लिया बहुत अच्छी after plant position वो hold करके बैठे हैं Astral smoke goes down as well जॉब अ ब्यूटिफुल प्ले एंड अ ब्यूटिफुल सेटअप फ्रॉम द साइड ऑफ टीम 1-2 का 4 ये बिल्कुल और यहाँ पे टिट फॉर टैट टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन जो आपने हमारे साथ किया चलिए हम भी आपको उसका मज़ा दे देते हैं एंड आप बताइए कि कैसा लग रहा है वो जैसे जिस तरीके से अल्टीमेट यहाँ पे की गई सेम चीज़ हमें रोबो की तरफ से देखने को मिली एंड इट वर्क आई मीन इट वाज फनी ओह माय गॉड अ बज़ूका वही एग्जैक्टली एंड हेविन पे यहाँ पे आस्ट्रा की तरफ से वो जो स्मोक था दैट वाज अ फेक स्मोक उसको रिकॉल किया गया एंड डोंट माइंड यानी कि केजे ने इस बात को रीड नहीं किया वो बिल्कुल यू नो जैसे ही स्मोक हुआ उन्होंने सोचा चलो रोप्स का इस्तेमाल करके यहाँ नीचे जाया जाए बट उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि स्मोक के उस पर शायद कोई खिलाड़ी शायद आस्ट्रा ही हो सकते हैं जो कि पीक करना चाहते हैं I mean, उन्होंने नहीं, ये तो, किसी ने भी नहीं सोचा होगा शायद Not in this situation, just as I said, 2-5 is the score difference. Yes, not that bad, but agar yahin pe ek ya do round aur nikal leti hai 1-2-4 ki team, to unko ek wo snowball effect mil jayega, jiska wo continuously starting se wait kar rahi thi, jo ki abhi unhe starting mein thoda mila tha, but of course, wo ek round haarne ke baad halt hua. Now is going to be the main, I would say, turning point of the map, jo ki agar yahan pe team district 9 एक या दो राउंड निकाल लेती है अपने फेवर में then they'll be the ones who'll be having the control and they will be the ones who might be able to have that lead when they'll be going in towards the you know next part so ये कुछ दो राउंड जो अगले आने वाले हैं इन पे काफी ज्यादा पड़ेगा टीम्स को जी बिल्कुल
2-5 का स्कोर लाइन और एक छोटा सा टेक्निकल पॉज जो कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ी देर के लिए रोक के ज़रूर रखेगा, स्पेकुलेशंस करने पे मजबूर ज़रूर करेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे ये पॉज हटेगा सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी। अभी के लिए अल्टीमेट्स की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि डिफेंडर्स को खेल जाए। देखिए अभी 7 राउंड्स हुए हैं, अभी यू नो स्वॉप होने में बहुत समय बचा है। मैं तो समझता हूँ कि खेल जाए कि लॉकडाउन इसी राउंड सेफ्टी के साथ सेफ खेल के एंड इसी राउंड यूज़ कर देना चाहिए। थ्रिफ्टी आपने निकाला ज़रूर था, हम समझते हैं कि शायद मे बी इट इज़ अगेन पॉसिबल, जैसे ब्रीच और एस्ट्रा की अल्ट के साथ निकाला था अभी कुछ राउंड पहले, हम सब ने देखा, बड़ी सराहना भी की गई ब्रीच और एस्ट्रा की। ऑन दी अदर हैंड अटैकर्स के बारे में हमने बात भी किया कि क्यों उन्होंने ये नहीं सोचा कि शायद थोड़ी देर बाहर निकला जाए, अगर ब्रीच ने अल्ट कर दिया तो क्या होगा। वेल उससे पहले चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इनके कुछ रिप्लेस प्लेयर के 1-2-4 वर्सेस डिस्ट्रिक्ट 9 के कुछ प्लेज करना। परफेक्ट रोलिंग थंडर, परफेक्ट कॉस्मिक डिवाइड एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्ले वहाँ पे हमारे साथ हो नजर। अभी किसी देर का और टेक्निकल पॉज क्योंकि वहीं पे हम बाकी रिप्ले को भी देखेंगे, तो देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये टीम यू नो दे ट्राई टू मेक देयर वे बट फॉर नाउ वी आर टू सी जंप इन डाउन मिड 5-2 का स्कोर एंड 2v2 का सिनेरियो यहां पे लास्ट में आता हुआ। क्रूसिफिक्स फिलहाल अपना रोटेशन के ऊपर ध्यान देते हुए दे माइट बी एबल टू यू नो कैच देम प्रोबेबली, बट मी ब्रेव के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है टू जस्ट क्विकली मेक दैट रोटेशन एंड ट्राई टू प्लांट दैट स्पाइक। आई पर्सनली थिंक DJSS साथ ही साथ किल जो है दोनों को साथ ही रहना पड़ेगा इस राउंड के अंदर ताकि दे कैन मेक श्योर टू एटलीस्ट गेट दैट 1-for-1 ट्रेड ऑफ। एंड जैसे कि हमने बात करी थी काफी चांसेस है कि हो सकता है डिस्ट्रिक्ट 9 विल बी एबल टू मेक दिस कमबैक, मे बी अनदर थ्रिफ्टी, वही चीज हमें होती हुई अभी दिखाई भी दे रही है बिकॉज़ दे गॉट अ मैसिव चांस। 30 सेकंड्स लेफ्ट जी, बिल्कुल 30 सेकंड का समय और यहाँ इतना क्लोज पहुंचा दिया गया। मैं समझता हूँ ओके द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, देखिए मुझे लगता है कि फिर से एक बार हमारी स्क्रीन पे बहुत ही तेजी से चमचमाने वाला है थ्रिफ्टी, एक थ्रिफ्टी विक्ट्री। स्पाइक डाउन हो चुकी है, समय 15 सेकंड 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड बचे हुए हैं, 10 सेकंड में इस खिलाड़ी को स्पाइक उठाना है, प्लांट करना है, देयर यू गो। ओ माय गॉड, 3 राउंड जीते हैं डिफेंस ने जिसमें से 2 थ्रिफ्टी है, क्योंकि इमेजिन की डिस्ट्रिक्ट 9 किस तरफ बढ़ रही है, किस तरीके से खेल रही है। मैं तो कहता हूँ कि अगर इतनी अच्छी तरीके से अगर ये चीज़ आपके लिए काम कर रही है तो त्याग दीजिए वैंडल्स को और फैंटम्स को और आप शरीफ से ही खेलिए, आपके लिए वही चीज़ लकी है, आप उसी से जीत जाइए। बिल्कुल अपने ओपोनेंट को सरप्राइज कर दीजिए, वो क्लोज रेंज से हेडशॉट। आई मीन यू नो देयर आर टीम्स दैट ट्राई कि हमने एक हीरो राइफल ले लेते हैं उससे ओपोनेंट सरप्राइज हो जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट 9 विल बी दैट हम शरीफ लेके खेलते हैं, शरीफ लेके क्लास बिल्कुल क्लासिक्स यूज करेंगे उससे हेडशॉट निकालेंगे। आई मीन बट सीरियसली लुकिंग एट द सिचुएशन दिस शुड बी अ वेरी मेजर कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर देम बिकॉज इफ दे कैन मेक श्योर टू गेट द राउंड यूजिंग देयर क्लासिक्स एंड शेरिफ्स तो इसी तरीके से वैंडल का इस्तेमाल करके भी दे कैन फाइंड द ओपनिंग पिक्स एंड दे कैन फाइंड द क्लोजिंग पिक्स एज वेल। तो वही चीज अभी उनको प्रायोरिटी पे रखनी है, बट फिलहाल मिड कंट्रोल पूरा का पूरा यहाँ पे 1-2-4 का आता हुआ, बट लुक एट द मैन्यूवरिंग जो कि होती हुए माइंड होल्डिंग दैट एंगल नियर दोनों फिनिशेस करते हुए एंड दे विल प्रोबेबली बी एबल टू गेट द क्लोज इन। स्कोप की कोशिश जरूर थी एक पिक ऑफ निकालते हुए, डनमाइंड वापस ऊपर आ चुके हैं टीम सपोर्ट करने के लिए टावर के अंदर एंड दे विल मेक श्योर ये पूरे पुश को हॉल्ट कर दे। लुक एट द फेंसर कमिंग इन, मेन की तरफ से भी रोटेशन आता हुआ, डनमाइंड ओ टू प्रिमिटिव स्मोक्स, दिस गाय हैज प्लेड दिस राउंड इन एन इनसेन मैनर जी बिल्कुल। और इनकेस अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत होती तो स्नीकी पीछे से स्नीकी प्ले बनाते हुए आ ही रहे थे, बैक स्टैप किया ही था इन्होंने, तो वो भी कहीं ना कहीं एक लाइन ऑफ डिफेंस बन चुका था, उनको भी तोड़ना आई मीन ये तो कहीं से भी नहीं था कि ये थ्रिफ्टी राउंड या ये राउंड अटैकर्स अपने फेवर में करें। फिलहाल के लिए हम लोग 1-4 पे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4-5 पे आ चुके हैं एंड हमारे प्रोड्यूसर साहब अगर टैप दबा दे तो थोड़ा सा स्कोर लाइन और हल्की सी वेपनरी जो है वो हमें दिखाई दे रही, किसके पास कितनी इकॉनमी है, कौन कितने किल्स पे है।
बट चलिए अभी उसकी दरखास्त नहीं करेंगे, अभी बढ़ेंगे हम एक और राउंड की तरफ जहाँ पे प्रेशराइज किया जा रहा है प्लेयर्स को ये साइड की तरफ। डिफेंडर्स भी अपना कूल लूज कर चुके हैं, वो भी थक चुके हैं पीछे रह रहे के, अब यहाँ पे पुश करेंगे एंड किल करेंगे। 3v2 की सिचुएशन, अटैकर्स की कमर तोड़ दी गई है, स्पाइक यहाँ पे गिराया जा चुका है। एस्ट्रा लिटरली का इस्तेमाल ग्रेविटी वेल से प्लेयर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश, रेज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन पे एंड मी ब्रेव ऐसे समय में मौका मिला तो चौका तो मारेंगे, ऐसे समय पे पीछे नहीं हटेंगे। एस्ट्रा सही स्मोक्स के साथ पूरा का पूरा साइट खाली ऑलरेडी है एंड जो इंपॉर्टेंट एंगल्स थे जहां से प्रॉब्लम हो सकती थी उनको ब्लॉक कर दिया गया। अभी के लिए प्रॉब्लम नाइटमेयर बनने वाले हैं क्योंकि किलजॉय क्या यूटिलिटी अपनी सही जगह पे लगा रखी है, ये एक सवाल हमें देखने को मिलेगा। आई थिंक देयर इज एन अलार्म बॉट व्हिच कैन कम हैंडी अनलेस अगर किलजॉय रेंज से बाहर ना चली जाए। एंड लुक एट दैट, किलजॉय ने अपने यूटिलिटीज जो दूसरे साइड पे हैं उसको आई थिंक रिकॉल ही नहीं किया है, विच माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स। एंड साथ ही साथ ये कॉस्मिक डिवाइड यहां पे यूज भी कर लिया था और यहां पे लॉकडाउन भी आ जाएगा तो मंट्री नहीं हो पाएगा। एंड देन गोइंग थ्री किलजॉय, लुक एट दैट प्ले, डन माइंड मैन, दैट वाज अ क्रेजी प्ले, लेटर दैट यू नो द सुपर हीरो लैंडिंग, वही चीज करके दिखाई बिल्कुल हमारे सामने। बट again that was a nice try, that was a very nice try, but this marks the equalizer, dono teams barabar. backstab aaya, backstab ke liye koi bhi intezamat nahi the and yahan pe thodi si main ek bar fir se dekhna chahunga ki kya unhone utilities ko recall kiya tha ya fir nahi, because ji I personally think ki shayad nahi kiya tha yes बिल्कुल। किलजॉय की अगर हम लोग फीड देखें जो यूटिलिटी के बॉक्स है उसकी तरफ भी ध्यान दे तो उन्होंने नहीं किया था, बट वो इमेजिन होता नहीं है कि आप इस लेवल पे आके एंड इतनी छोटी सी गलती कैसे कर सकते हो। इतना बेसिक चीज कि किलजॉय की यूटिलिटीज रिकॉल करके आपको बैकस्टैब सेटअप करना है, ये आप कैसे बोल सकते हो। फिलहाल के लिए एक पिक जरूर मिला, सुपर सैम उसको रिवाइव करेंगे, स्कोप को फिर से गेम में वापस बुलाएंगे। बट चलिए यहाँ पे एक पिक उन्होंने जरूर निकाला था, अल्टीमेट जो इतने देर से बचा के रखी गई थी उसका इस्तेमाल करवा दिया। 10 राउंड्स हो चुके हैं और 2 राउंड्स बचे हैं टीम की तरफ, तो एक चीज का बिल्कुल ध्यान देना होगा टीम्स को कि अब जितने भी अल्टीमेट्स हैं उनका इस्तेमाल कर लिया जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब 2 ही राउंड बचे हैं इस हाफ में, एक जो चल रहा है और एक इसके नेक्स्ट वाला, तो अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट पे यू नो अपने अल्टीमेट को यूज करना। शो स्टॉपर देखने को मिल रहा है मुझे, साथ ही साथ ग्रेट फ्रॉम डिफेंडर्स के पास, एंड वहीं पे अगर हम देखेंगे 1-2 they only have the seekers in this case, but abhi dekhna zarur baki hai how they're going to utilize this. isi cheez mein abhi dheere dheere aage concussing him, okay, nightmare we making sure that he's holding the angle and mind this guy is literally not stopping. dj se sub off karte hue yahan pe nightmare bhi trade lenge lekin guardian se finish over, so the ball bank wahan pe aata hua and sath hi sath robo will make sure to shut them down and yahi pe the team is going back and forth not stopping, but we brave break that chain and finally scope bhi apna last finish nikal ke will seal the round for their side. They've reached the 6 before the switch and this is highly possible that we might see a 6-6 half. ji bilkul, और यूटिलिटी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि डिफेंडिंग टीम अगर ये राउंड निकाल लेती है तो 6-6 का स्कोर लाइन हमें सच में ज़रूर देखने को मिल सकता है, और दोनों ही डिफेंडर्स की यूटिलिटी है। एक बार फिर से अगर प्रोड्यूसर साहब टैब दबा दे तो हम ये देख लें कि बाकी और 3 एजेंट्स की यूटिलिटी आने में, अल्टीमेट आने में कितना टाइम लगेगा, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। एग्जैक्टली, अभी देखते हैं कैसी ये चीजें बढ़ने वाली हैं आगे। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द शो स्टॉपर जो कि अब इस राउंड में तो यूज कर ही लेना चाहिए। रूसिफिक्स के पास भी ब्लेड स्टॉर्म बचा हुआ है, ऑल दे नीड टू डू इज जस्ट प्रेस वन एक्स ऑन देयर कीबोर्ड, लेकिन शायद ना ही यूज करे उसको। मे बी देन यू नो इट इज पॉसिबल दैट दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, दे आर मोर लाइक ठीक है इट्स बेटर एंड इट्स अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दे विल बी एबल टू गेट दैट पिक ऑफ यूजिंग देयर वेपन इंस्टेड ऑफ द ब्लेड। सो बट लुक एट दैट, they're always going in from the main towards a information शायद चली जाए, बट देखना बाकी है कैसे वो एग्जीक्यूट करेंगे। ऑफ को तो सिक्योर कर लिया है एंड लॉकडाउन आ गया है, लॉकडाउन का इस्तेमाल भी कर लिया है तो क्लियर द साइट, साइट क्लियर करने के लिए लॉकडाउन डाला गया है। लेकिन सच बताऊं तो इनको सेल्स में ट्राई करना चाहिए अटैकिंग टीम को, बिकॉज दे आर वेरी गुड एट सेलिंग फेक्स, और आप देखिए लॉकडाउन कहाँ पे प्लेस किया है, भाग कहाँ पे रहे हैं,
वो बात अलग है कि वहाँ पे तीन प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फेक था जिसको सेल करने की कोशिश की गई थी एंड अटैकर्स का ये फेक, इट फेल्ड मिजरेबली बिकॉज अब तो 30 सेकंड बचे हैं, अब तो आप रिटर्न भी नहीं जा सकते, इतना भी टाइम नहीं बचा, यू हैव टू फोर्स हियर एंड लुक एट दैट। आर यू किडिंग मी, लास्ट के 15 सेकंड आप रोटेट कर रहे हो एंड देयर यू गो, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द मैच बिकॉज आपको अगर खुला साइट भी दे दिया जाए तो भी आप इन 15 सेकंड्स में प्लांट नहीं कर पाओगे। फॉरगेट अबाउट अ किलजॉय एंड हिज टर्रेट डिफेंडिंग इट, लास्ट के 6-5-4 एंड देयर यू गो, यहां पे गेम ओवर हो चुका है। मोमेंट यू डिसाइडेड टू रोटेट एट दैट मोमेंट, आई मीन एट दैट क्रूशियल टाइम, वहीं पे तय हो चुका था कि आप ये राउंड हार चुके हो। व्हेन यू प्ले दिस गेम ना तो आपको कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए जब भी आप मैप चूज करते हो कि एक साइड से दूसरी साइड पे रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा। आई हैव 30 सेकंड्स, इट टेक्स ऑलमोस्ट 22-23 सेकंड्स, मैं कैसे स्पाइक प्लांट करूंगा? ओह माय गॉड, That's yeah, that is not a very good ICLing coming in at that point. That was literally the worst decision in that scenario. क्योंकि वो फाइट जरूर फोर्स कर सकते थे, डूल विन कर सकते थे, वुड अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि शायद जीत जाते, प्लांट भी मिल जाता, लेकिन जब रोटेशन का डिसाइड किया था, जैसे कि आपने बताया, दैट वाज नॉट इनफ टाइम टू जस्ट गो ऑन टू द अदर साइड एंड ट्राई टू गेट द प्लांट एंड साथ ही साथ पिक ऑफ भी हो जाते बिकॉज देयर वाज वन एंकर ऑन टुवर्ड्स द बी साइड एज वेल, तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक वहां पे होती हुई, चट अराउंड उनको दे दिया है। बट नाउ आई वांट टू सी विल डिस्ट्रिक्ट 9 बी एबल टू कम बैक इन दिस सिनेरियो, और it was a good fall time connecting though, but uske bawajood bhi zyada kuch fayda nahi hota, was sage wall just blocking that entrance. Robo koshish zarur karenge shayad jump karke apne bot ko aage bhejne ke try karenge angle clear karne and sneaky just try to you know be a little sneaky in that situation. Abhi setup ko agar hum dono hi team ki taraf se dekhe to b side ki taraf dikh raha hai that you know they're controlling the envelope as well. The male and they've got the control of the B side and shot stacked side ki taraf hi high possibility hai ki play dekhne ko mil jayega yahan pe district 9 ka 1-2 ka 4 ne setup ko thoda change karte hue piche ki taraf ja rahe hain mid round info ke liye utilities ko bheja gaya hai yahan pe they probably have an idea but dekhiye the lurk ka wait kar rahe scope ko seedha finish off kiya gaya hai but robo managed to get two people out so it's a 3v2 scenario the team has got an insane advantage as Robo is literally not stopping. Look at his HP, but saath hi saath Jet making sure to get the equalizer. Oh, with 4, will it be an ace? Will it be an ace? That's an ace from Robo. Bro, he was 10 HP. I mean, 3 kill mila, bahut achhi baat hai, lekin uske aakhri ke 2 kills inko bilkul nahi milne chahiye the because ye 10 HP pe sirf survive kar rahe hain, uske bawajood inko mile, unhone itne badhiya tarike se apne aap ko ganda rakha is pistol round mein, itni utilities inki taraf aane ke bawajood, itne players ki nigahein hone ke bawajood, commendable job Robox for, and ek bar fir se maine aapka pura naam sirf isliye padha kyunki aapne ace kiya tha, warna bahut zyada tongue twisting hai, good job anyways, jokes apart, 6-7 ka score line aane ek बेहतरीन एस। देखिए मैं बात कर रहा था स्काई की यूटिलिटी की, स्काई का एक फ्लैश गाइडिंग लाइट जिससे आपको ऑडियो क्यूज आ जाते हैं, अभी के अभी जो हम लोगों ने फ्लैश देखा वो सीधे सीधे स्काई को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई प्लेयर है कि जंप करके एंड मी ब्रेव की तरफ बढ़ रहे थे, कोई भी ट्राई कोई भी कोशिश यहाँ पे इनकी तरफ से नहीं की गई एंड 1-2 का 4 कल क्या दिक्कत है, 6-8 का स्कोर लाइन बना देंगे यहाँ पे, 2 राउंड इंस्टेंटली चुटकियों में यहाँ पे जीतेंगे बिना किसी भी मेहनत के। पहला राउंड हाँ बहुत ज़्यादा मेहनत थी, रोबोक्स ने यहाँ पे एस लिया, लेकिन दूसरा राउंड इजी पीजी लेमन स्क्वीजी जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एक ही कवि के अंदर उन्हें स्पैम करना था, वही स्पैम करते गए यार। मेन पार्ट वॉज दैट District 9 के members has decided that they will peek one after the other, and एक के बाद एक सीधा finish off होते गए। I understand that they probably wanted कि वो सबसे closest member को finish off करे, उसके weapon ले and then उस advantage को push करे, but कहीं ना कहीं जब आपको दिख रहा है कि दो angle से आप पे spam आ रहा था, उस time पे आपको एक दो कदम पीछे ले लेने चाहिए थे, but even after that quick round going in for 1-2-4 and now they'll be standing strong in that defense, but we will now finally see एक gun advantage सीधा आ जाएगी District 9 के हाथ में, तो it is a high possibility एंड क्योंकि अभी हम देख रहे हैं मिड कंट्रोल पूरा का पूरा ही उनके पास है, तो आएंगे ये रोटेशन कहीं पे भी जा सकती है।
जी बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप जो लिया गया वो ये था कि इन दोनों ड्यूलिस्ट को अटैक के टाइम इन दोनों ही प्लेयर्स को मिड की तरफ स्नीक इन करा देना, टक इन करा देना, बस आप यहाँ पे विराम कीजिए और आप कैच कीजिएगा प्लेयर्स को जब वो रोटेट कर रहे होंगे। एंड स्नीकी का सिर्फ नाम ही स्नीकी नहीं है एक्चुअली, जब से हम ये मैच कास्ट कर रहे हैं हमने देखा कि इनका काम भी स्नीकी है। अटैक किया जा रहा है बी साइड पे जहाँ पे सिर्फ तीन प्लेयर्स तैनात हैं, बाकी के दो प्लेयर सी साइड को गार्ड करते हुए, एंड यहाँ पे जेट गलत डायरेक्शन में देखेंगे, स्कोप डाई हो जाएंगे बिकॉज ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे वेपन का डिफरेंस जो है वो था। एंड स्पेक्टर वर्सेस फैंटम, इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस जो कि हमें देखने को मिला। फिलहाल के लिए रूसिफिक्स जो कि लो है 16 HP पे बचे हुए हैं, वो एक अच्छा एंगल होल्ड करके बैठेंगे। रोबो ने इनको एक्सपेक्ट किया या नहीं एक बड़ा सवाल, एंड रोबो के सामने एक नैनो स्वॉर्म, एक अलार्म बॉट है तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत में जरूर डालेगा। सैचल के साथ रूसिफिक्स को बाहर का रास्ता दिखाएंगे बिकॉज माइट भी उन्होंने सस्पेक्ट किया दैट देयर माइट बी समवन हाइडिंग इट, एंड मुझे लगता है ये इस टूर्नामेंट का सबसे अनोखा किल यहाँ पे कहने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिलहाल के लिए इट्स एन इंपॉर्टेंट टास्क कि वो स्पाइक डिफ्यूज होने से बचा जाए। लॉन्ग का प्लान है, प्लेयर हैज बीन डिस्ट्रॉयड, द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग इज डिफ्यूजिंग स्पाइक, एक प्लेयर उनको कवर दे रहा होगा। किल जॉय विल किल द डिफ्यूजर, एंड वेयर इज द अदर प्लेयर? व्हाट, वेयर इज एस्ट्रा? व्हाट, Why will you? Oh my god, clutch? DJ! That's. No, no, at least. No. At least don't do that. I think that we might head Internet. Into a technical timeout. True. Yes. True. I personally feel like that we might head into a technical timeout because that was definitely not what they would have expected to happen. That is such. An unfortunate way to actually let go of that round. जब पूरा defense में वो almost tick कर गए थे, and अगर DJSS वहाँ पे होता तो उस round का result literally कुछ और ही होता, unless of course KJ एक अलग level outplay दिखाते। बिल्कुल, and mean अगर Astra activated होते, Astra अपने सही senses में होते, तो at least कुछ नहीं तो main पे smokes कर देते, जहाँ से Killjoy ने I think दो picks निकाले, दो crucial picks निकाले, वहाँ पे smoke off करके and players को रोक जरूर सकते थे, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे एक टेक्निकल टाइम आउट की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, एंड एक फेयर मैच जब तक क्रिएट नहीं होता हम लोग थोड़ा सा होल्ड करेंगे। Exactly. We'll have to be the site anchor. We'll have to be the match anchor. You know, we have to just hold the scenario until the net comes back on. But वही बात है, ये एक जिसे मैं बोलूँगा अनफॉर्चुनेट फैक्टर जो आया है बीच में, ये कहीं मैच का रिजल्ट ना बदल दे वो देखना बहुत, क्योंकि अगर आप एक जीता हुआ राउंड इस तरीके से हारते हो तो आपके उससे मेंटालिटी पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट भी पड़ता है उस चीज़ का। एंड अगर इसी चीज़ के ऊपर उभर जाती है एक टीम तो वो सुपर टीम कहलाती है। एंड दिस इज़ द टाइम फॉर द साइड ऑफ 1-2-4 टू मेक दैट जंप, टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, बिकॉज दे हैव टू मेक श्योर टू ब्रश दिस राउंड ऑफ एंड दे हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट राउंड, बिकॉज अभी भी लीड उनके पास है। दे कैन डेफिनेटली मेक श्योर के दे विल बी एबल टू कीप दैट लीड एंड दे विल बी एबल टू विन दैट मैच। बट वहीं पर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट 9 के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज अब ज़रूर आ सकती है। वेपनरी में उतना ज़्यादा एडवांटेज भी शायद मिल जाए उनको, बट अगेन दे मैनेज टू प्लांट द स्पाइक, दे न्यू कि उन्हें लॉन्ग से जरूर खेलना पड़ेगा, तो Astra स्मोक के थ्रू भी वो शायद स्पैम कर सकते थे। तो इस चीज को अगर वो फोकस करें एंड नी पॉइंट्स को देखें कि जिस तरीके से उन्होंने साइट में एंट्री ली थी एंड दे मेड श्योर दैट प्लांट वो कर पाए मिनिमम कैजुअलिटीज के साथ, वही चीज को उन्हें रिपीट करना है, रेसिप्रोकेट करना है, तब जाके वो राउंड में बराबर आएंगे एंड हो सकता है लीड लेके मैप भी जीत जाए। जी बिल्कुल, बट अभी के लिए हमें करना पड़ेगा इंतजार। 7-8 का स्कोर, एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम 6-6 एंड दैट्स 7-8 अटैकर्स, वी आर 7-8 अटैकर्स, ये 6-9 का स्कोर लाइन होना चाहिए था, 6-9 का स्कोर लाइन होना चाहिए था, बट जिस तरीके से डिफेंस में वो प्लेयर डिस्कनेक्ट हुए इट मेड इट वर्स। बट चलिए कोई बात नहीं, टेक्निकल ग्लिचेस है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गेम, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अभी के लिए देखना ये होगा कि गेम किस तरफ रुख करता है। Exactly. वही सबसे मेन चीज आ जाती है, वही सबसे मेन चीज आ जाती है कि अब आप इस सिनेरियो से कैसे उभरते हैं, अगले राउंड पे कौन कितना ज्यादा फोकस करता है। बिकॉज अभी तक अगर हम सिनेरियो देखें तो जो मिड का कंट्रोल है दैट हैज बिन द की यूजिंग विच The side of District 9 has been going in for those rotations. अब वो चाहे C की side पे split करे या चाहे C mains एक fake करके फिर C main से पूरा hit करे और they'll try to fake on towards the A and then probably try to go in towards the B side. तो
वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे। माफ कीजिएगा सी निकल गया था, बी जरूर बोलना था मुझे, बट द मेन थिंग दैट कम्स इन दिस सिनेरियो इज कि आप मिड का कंट्रोल कैसे हासिल करोगे इफ यू आर द मेंबर ऑफ 1-2 का 4। तो आपको क्या लगता है कि आपको बी साइड का कंट्रोल कैसे मिल सकता? एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप अपने प्रश्न दोहराएं जी। तो अगर आप 1-2 के 4 की तरफ से खेल रहे हैं तो आप कैसे कोशिश करेंगे कि ये जो स्प्लिट आ रहा है मिड से इसको रोक पाए और बी साइड का कंट्रोल रखे अपने पास rather than you know letting that spike to be planted or you know getting back stabbed towards that mid। तो मिड का कंट्रोल और बी का कंट्रोल ये आप कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे? पहले तो आप बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि 1-2 का 4 की तरफ से अगर मैं होता IGL तो मैं कैसे इन प्लेयर्स को प्लेस करता ताकि बी को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो देखिए, बी को प्रोटेक्ट करने का बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। आपके पास 3 ऐसे एजेंट्स हैं जो कि आपके इसमें मदद कर सकते हैं और बाकी के 2 एजेंट्स यहाँ वहाँ टहलने का काम करें जहाँ पर उनकी नीड है। सबसे पहले सेज की तरफ से जो मिड वॉल आना चाहिए, किल जॉय जो कि अकेले हेवन बी साइड के हेवन को और बी मेन को गार्ड कर सकते हैं अपनी यूटिलिटी के बदौलत। एंड देखिए, गार्ड करने का मेरा बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि एंकर कर पाए कुछ देर तक उस होल्ड को, उस पुश को रोक पाए, क्योंकि कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है जो यू नो उस फाइव मैन की वेव को अकेले दबा के रख दे। एनीवेज, किलजॉय की तरफ से आप बी मेन और बी हेवन का कंट्रोल रख सकते हैं। सेज और स्लो अब को अगर आप स्पैम करते जाएं, वॉल एंड स्लो अब आप वहां पे प्लेयर्स को रोक सकते हैं। इसमें थोड़ा सा साथ दे सकते हैं आपका स्काई एंड एस्ट्रा को। आप जैसे कि हम बात कर रहे थे, एस्ट्रा जब भी जहां भी आपको आवाज़ें आ रही हैं, जहां भी आपको फील आ रहा है, वहां पे आप स्टार्स डाल के एंड यू नो पुल या फिर कंकशन दे सकते हो। पुलिंग इज़ अ बेटर आइडिया बिकॉज वो प्लेयर्स को और ज़्यादा कन्फ्यूज या थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रोक जरूर लेता है। सो आई थिंक कि आप इस तरीके से कुछ बी और हेवन साइड का जो मिड का कंट्रोल जिसकी आप बात कर रहे थे उसको रोक सकते हो। रोप रूम का कंट्रोल मेरे हिसाब से स्प्लिट मैप पे प्लेयर्स के पास होना चाहिए, वरना अगर टीम ने, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था कि अगर अटैकर्स शुरू कर दे कि रोप रूम में एक प्लेयर को टक कर देते हैं एंड उसके बाद से एक प्लेयर को घुसा देते हैं, एक या दो प्लेयर, और उसके बाद से रोटेशन चालू हो जाता है, तो डिफेंडर्स को बुरी तरीके से यू नो ऑफ गार्ड कैच किया जा सकता है। हमारे प्रोड्यूसर सर कैमरामैन रमेश चौरासिया के साथ SCGC लाइव एक बार फिर से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाने की कोशिश। देखिए, दिस गोज बिहाइंड द कैम बिहाइंड द सीन एंड अभी के लिए प्रोड्यूसर साहब को ये समझ नहीं आ रहा कि दिस इज ऑल ब्रॉडकास्टेड लाइव, सो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया जाए, बट अगेन ही इज हैविंग हिज ओन शेयर ऑफ फन, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो अपनी मोबिलिटी चेक कर रहे हैं मैप के अराउंड कैसे जा सकता है। चल तो रहा है वैसे, बट सही तो चल रहा है, बिल्कुल दिक्कत तो है ही नहीं कोई, बट भाई बट यस, इट्स जस्ट एज यू सेड, आई मीन यू एक्सप्लेन इट एब्सोल्युटली परफेक्टली कि मिड का कंट्रोल अगर वो उस तरीके से लेंगे जैसे आपने मेंशन किया तो उसके बाद दे विल हैव अ मच बेटर चांस इन डिफेंडिंग इन दीज राउंड्स। पर रीटेक भी अब उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए फिर उस टाइम पे हो भी जाता है, क्योंकि अगर वो एक साइड को छोड़ देते हैं देन दे विल हैव टू मेक श्योर कि बाद में अगर वहां पे अगर प्लांट होता है देव गॉट इनफ यूटिलिटीज टू गो इन फॉर द रीटेक एज वेल। तो एक IGL के ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है इस केस के अंदर, वेर इन दे हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स टाइम आफ्टर टाइम। एंड आई मीन हार्ट्स ऑफ टू द IGL जो कि एक सेकेंड के अंदर ऐसा इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, ऐसी थिंकिंग दिखाते हैं एंड देन दे यू नो मेक श्योर कि उनकी टीम विजेता निकल के आए उस ड्यूल के अंदर। तो वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी मुझे पता है सारे लोग वेट भी कर रहे हैं कि कितनी देर में हम स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ी सी ही देर और हमारे साथ जुड़े रहिए एंड हम इस मैच को सीधा शुरू भी कर लेंगे, अगला राउंड भी हमारे That is going to be the 16th round of the match. मेरी मैच उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, but मैं किसी तरह कोशिश ज़रूर करता हूँ कि yes, मैं कहीं ना कहीं जो एक सही analysis और सही number provide कर दूँ। सच में बहुत ज़्यादा बुरी है। जी बिल्कुल, अगर मैच अच्छी होती तो casting नहीं कर रहे होते, but कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे हम okay, jokes apart, I mean यही वो time होता है जब हमें you know थोड़े से मस्ती मजाक करने का मौका मिलता है। दर्शक जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग भी थोड़ा सा टेक्निकल टाइम आउट, बिल्कुल अपना आराम करें। व्हाई द करंट प्लेयर इज कैंपिंग? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप वैलोरेंट में आके एंड आप कैंपिंग ये वर्ड भी यूज करते हो, सो
इट इज़ वेरी बैड बिकॉज यहाँ पे आपको एंगल्स होल्ड करने होते हैं. इट्स अ 5v5 शूटर गेम जहाँ पे यू जस्ट हैव टू होल्ड एन एंगल. आपको या तो अटैकर बन के खेलना है या तो डिफेंडर बन के खेलना है. तो या तो आप अपने अटैकिंग स्पेस को रोक रहे होते हो, डिफेंड कर रहे होते हो, या तो आप अपने डिफेंडिंग स्पेस को बचा रहे होते हो कि यहाँ पे प्लेयर्स ना आ जाए. सो देर इज नथिंग कॉल्ड एज कैंपिंग. थोड़ा सा प्रोफेशनल बन के अगर आप एंगल होल्डिंग कहो तो सुनने में ज़रा यू नो अच्छा लगता है. Well, exactly. अच्छा लगता है हमें ये भी जान के कि इतने बढ़िया ब्रांड्स हैं जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं. जैसे कि हम अगर बात करें तो यहाँ पे इंटेल जिन्होंने टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट ऑफ द बेस्ट हार्डवेयर के साथ हमें सपोर्ट किया, वही माउंटेन ड्यू जो कि हमारे कूलेस्ट बेवरेज पार्टनर है. ऐसे ऐसे गर्म मोमेंट पे, ऐसे माहौल पे जहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फायरी हो चुकी हैं, थोड़ा सा आइस डालने का, थोड़ा सा ठंडक पहुँचाने का काम माउंटेन ड्यू करते हुए. ऑन दी अदर हैंड टीपी लिंक जो कि टॉप ऑफ द लाइन पेरिफेरल्स यहाँ पे हमारे लिए ला रखे हैं. वेल एक टाइम आउट जैसा कि हम देख सकते हैं, छोटा सा टाइम आउट 1-2-4 और डिस्ट्रिक्ट 9 के बीच. दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं हम उन्हें बता दें कि पहला मैप एक बार अगर हम लोग यहाँ पे मैप पूल की तरफ चले प्रोड्यूसर साहब के साथ, तो हम लोग देख भी सकते हैं कि पहला मैप जो था वो हमने यहाँ पे हेवन सेलेक्ट किया था. दूसरा मैप फिर यहाँ पे स्प्लिट जो कि अभी खेला जा रहा है. अगर यहाँ पे विक्ट्री हासिल की जाती है डिस्ट्रिक्ट 9 की तरफ से, सो तीसरा मैप हम यहाँ पे देखने वाले हैं एसेंट का. आई डोंट थिंक एसेंट हमें देखने को मिलेगा जिस तरीके से गेम प्ले किया जा रहा है, बिकॉज पिछला राउंड जो यहाँ पे निकाला गया है वो एस्ट्रा थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गए थे, टेक्निकल इशू में, उसके वजह से हुआ. वरना वो भी राउंड कहीं ना कहीं डिफेंडर्स का ही था. बट अगेन लेट्स सी कि 1-2-4 क्या आज सच में विक्ट्री हासिल करने ही आए हैं या फिर दे हैव सम डिफरेंट प्लान्स, यू नो कटौती करने आए हैं कि चलिए आपको एसेंट पे लेके चलते हैं, या फिर एक्शन जो भी है यहीं पे खत्म. Exactly, तो वहीं अभी हम देखेंगे फटाफट से एक शॉर्ट सा कमर्शियल, जिसके बाद हम वापस आएंगे मैच के अंदर एंड देखेंगे क्या रिजल्ट रहेगा. We'll be right back. ऐसा स्टंट पहले किसी ने नहीं किया. Aircraft 1 ready to launch. अरे तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे. तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा. एयरक्राफ्ट 2 इनकमिंग. वी हैव हिट एन एयर पॉकेट. माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है. ऐसा स्टंट पहले किसी ने नहीं किया है. एयरक्राफ्ट 1 रेडी टू लॉन्च. तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे. तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा. एयरक्राफ्ट 2 इनकमिंग. We have hit an air pocket. Mountain Dew, डर के आगे जीत है. ऐसा स्टंट पहले किसी ने नहीं किया है. Aircraft 1 ready to launch. तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे. तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा. एयरक्राफ्ट 2 इनकमिंग. वी हैव हिट एन एयर पॉकेट. माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है. ऐसा स्टंट पहले किसी ने नहीं किया है. एयरक्राफ्ट 1 रेडी टू लॉन्च. तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे. तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा. एयरक्राफ्ट 2 इनकमिंग. We have hit an air pocket. Mountain Dew, डर के आगे जीत है.
ऐसा स्टंट पहले किसी ने नहीं किया है। एयरक्राफ्ट 1 रेडी टू लॉन्च। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा। एयरक्राफ्ट 2 इनकमिंग। वी हैव हिट एन एयर पॉकेट। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ऐसा स्टंट पहले किसी ने नहीं किया है। एयरक्राफ्ट 1 रेडी टू लॉन्च। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा। एयरक्राफ्ट 2 इनकमिंग। We have hit an air pocket. Mountain Dew, डर के आगे जीत है। ऐसा स्टंट पहले किसी ने नहीं किया है। Aircraft 1 ready to launch. तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा। एयरक्राफ्ट 2 इनकमिंग। वी हैव हिट एन एयर पॉकेट। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ऐसा स्टंट पहले किसी ने नहीं किया है। एयरक्राफ्ट 1 रेडी टू लॉन्च। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा। एयरक्राफ्ट 2 इनकमिंग। We have hit an air pocket. Mountain Dew, डर के आगे जीत है। ऐसा स्टंट पहले किसी ने नहीं किया है। Aircraft 1 ready to launch. तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा। एयरक्राफ्ट 2 इनकमिंग। वी हैव हिट एन एयर पॉकेट। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ऐसा स्टंट पहले किसी ने नहीं किया है। एयरक्राफ्ट 1 रेडी टू लॉन्च। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा। एयरक्राफ्ट 2 इनकमिंग। We have hit an air pocket. Mountain Dew, डर के आगे जीत है। ऐसा स्टंट पहले किसी ने नहीं किया है। Aircraft 1 ready to launch. तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा। एयरक्राफ्ट 2 इनकमिंग। वी
hit in air pocket. Mountain Dew. डर के आगे जीत है. ऐसा स्टंट पहले किसी ने नहीं किया है. Aircraft one, ready to launch. तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे. तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा. एयरक्राफ्ट टू इनकमिंग. We have hit an air pocket. Mountain Dew. डर के आगे जीत है. ऐसा स्टंट पहले किसी ने नहीं किया है. Aircraft one, ready to launch. तुम्हें डर नहीं लग रहा है? वेलकम बैक एवरीवन. आ चुके हैं हम. काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा को, बट वी मेड श्योर दैट बोथ दीज टीम्स आर गोना बी एट द सॉलिड पॉइंट वेयर इन बिल्कुल भी कोई भी इशू नहीं आने वाला है उनको. एंड अब हम देखेंगे फटाफट से एक और राउंड जिसमें देखने वाले हैं 1-2-4 एक और डिफेंस राउंड पे एंड साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट 9 एक अटैक राउंड पे जिसमें एक हिट की कोशिश जरूर चल रही है. विल किल डांस ही तो ट्रेड भी ले लिया. दे मेड श्योर टू गेट दैट वन पिक ऑफ एंड नाउ दे विल गो साइड एंड कोशिश जरूर करेंगे यहां पे. एक पेड़ सीधा दो निकाल दिए. किल जॉय इज नॉट स्टॉपिंग. तीन फिनिशेस एंड अपनी टीम को एक एडवांटेजियस पोजीशन पे छोड़ दिया है. इट्स अ 3v2 का सीन एंड दे विल ट्राई टू गेट दिस बिकॉज की शो स्टॉपर यहां पे फेस करके इस्तेमाल एंड बहुत ही बढ़िया पिक सेज एक और निकालती हुई एंड इट्स अ 3v1 सिनेरियो. स्लो भी इस्तेमाल कर दिया है. And he has to force his way back towards the B side. देख के ऐसा लगा था कि शुरुआत से सबसे पहले मैंने जब यहाँ पर दो प्लेयर्स एस्ट्रा की तरफ बढ़े तो मैंने बहुत ही तेज़ी से एक अलग ही रिएक्शन दिया. वेल हम चाहेंगे कि बड़ी स्क्रीन में हम वैलोरेंट ज़रूर देख पाएँ ताकि और अच्छा एनालिसिस मिले. बट जी हाँ, यहाँ पे एस्ट्रा मे बी इट वॉज ब्रेन लैग जो कि बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि शॉटगन लेके क्लोज एंगल पर बैठे थे. मुझे लगता है फिर से उनका कुछ इंटरनेट का इशू या ऐसा कुछ देखने को हमें शायद मिला होगा. बट उनको पिक किया गया, उसके बाद एक और पिक निकाला गया. इट लुक लाइक अब ये गेम अटैकर्स के हाथों से अटैकर्स के हाथों में आ चुका है. लेकिन टेल जॉय रिकॉर्ड इज एक्चुअली इन डिफेंस. एक नहीं, दो नहीं, तीन पिक्स निकाल जाएंगे बिफोर शी इज आउट ऑफ द राउंड. एंड ये पिक्स काफी ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं. इतने ज्यादा भारी कि अब 7-9 की तरफ बढ़ चुके हैं. Exactly. बहुत पहले एक राउंड की जब एस्ट्रा यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुए थे कि दिस राउंड शुड हैव बीन इन द हैंड्स ऑफ द ओपोनेंट्स यानी कि 1-2-4 पर वो नहीं जीत पाए. बट चलिए कोई बात नहीं है, और भी राउंड्स हैं, हम जीत लेंगे. एंड वो चीज़ 1-2-4 सही में दिखाते हुए डिफेंस में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कल जॉय की तरफ से. एंड 7-9 का स्कोर, 2 राउंड की लीड. बढ़ेंगे हम लोग एक और राउंड की तरफ जहाँ पे हिट शायद ए साइड की तरफ होने वाला बिकॉज बी तो कम्प्लीटली खाली है. सिर्फ 2 खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है. बहुत ही तेजी से प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए किल जॉय ब्रीफ को यहाँ पे सर कलम किया जाएगा अपनी नाइफ्स की बदौलत. जेट सारे वो एंगल्स चेक कर लेंगे जिनकी जरूरत. डीजे एसएस इज नॉट फीलिंग द गेम. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस एंड इट्स अ 3v5 इंस्टेंटली. एग्जैक्टली. एंड अभी उन तीन में भी एक ही पोजीशन उन्होंने नोट कर ली. तीनों को नोट कर लिया प्रोबेबली. नाउ ही विल गिव दोस की होस्ट टू हिज टीम. इट्स नॉट मैटर इफ सुपर सैम मोर लाइक सुपर हीरो सुपरमैन एट दिस पॉइंट इज स्टिल मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स दैट साइड. कोशिश पूरी. पेंट सेल्स एब्सोल्युटली परफेक्ट. विल फोर्स रोबो लिटिल बिट बैक बट उसके बावजूद दे विल बी एबल टू टेक दैट रेड. फ्लैश हो चुके थे. सपोर्ट स्कोप की तरफ से आता हुआ एंड द फाइनल फिनिश सुपर सैम. एंड जैसे कि हमने बोला मोर और लेस सुपरमैन की तरह खेलते हुए ये पूरा का पूरा गेम. एंड दे हैव वन येट अनदर राउंड पुटिंग देमसेल्फ इन द डबल डिजिट्स. एंड द मेन थिंग वाज इस राउंड से जस्ट पहले वाला जो एक राउंड था जिसमें किल जॉय ने एटलीस्ट 3 फिनिशेस निकाले थे साइड पे बैठ के. यू नो एंकी मोस्टली ब्रीच का आफ्टर शॉक यूज होता है वहां पे टू क्लियर दैट एंगल टू फोर्स दैट वन प्लेयर आउट ऑफ दैट कभी. जिस चीज का इस्तेमाल नहीं किया था टीम 9 दैट्स द अटैकर. सो दे
should have done that and wo cheez kyunki nahi hui uska bharpoor fayda Killjoy ne uthaya and they managed to you know make sure that they were the ones who were victorious in that round and ji ha bilkul one sec abhi wahi dekhna baki hai ki kaise ye cheez aur zyada aage badhne wali hai kaise ye cheeze change hone wali hain because these are the you know small things that lead to so many big changes and ab seedha ek ke baad ek do round directly le chuki hai 1-2 ka 4 ki team to kafi zyada chances hai ab ke you know they'll be able to somehow get that snowball in kyunki they've basically got 2 rounds in a row they've got the momentum that they needed and they are in the double digits just 3 more rounds and guess what anki ye wala round ek save round hoga for the side of district 9 so कहीं ना कहीं वो एक वेपनरी डिसएडवांटेज जिसकी हम काफी टाइम से बात कर रहे थे वो रहने वाली है तो अभी जरूर देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट रहने वाला है बिल्कुल फिलहाल तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल हमारी आंखों के सामने ओबीएस है लेकिन शायद जरूर हम आई मीन आंखों के सामने वैलोरेंट है लेकिन जरूर हम देख पाएंगे बिल्कुल एंड यही अभी इशू तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा जी बिल्कुल देखते हैं अभी क्या सिनेरियो रहेगा अभी हमें भी इंफॉर्मेशन मिलती है गाइस हम वो चीज आपको भी प्रोवाइड कर देंगे बता देंगे क्या सिनेरियो है इस पूरे सीन का एंड यू कैन स्लोली जस्ट वेट एंड विटनेस हाउ थिंग्स आर गोना टर्न आउट व्हाइल वी ट्राई एंड गेट द इंफॉर्मेशन बट वहीं अगर हम बात करें इस एग्जैक्ट सिनेरियो की दैट इज आई मीन इनसेन लाइक लिटरली एट दिस पॉइंट इनसेन द वे दैट दे मैनेज्ड टू जस्ट गेट ओवर दैट wall that mental wall which they had to climb especially after you know losing that winning round that is an insane play and sath hi sath humne ye cheez bhi baat bhi kari thi ki agar district 9 apne map pe nahi jeet paye that was a haven to unhe kahin na kahin dikkat zarur aa sakti hai split ke upar and wahi cheez hame dekhne ko bhi mil rahi thi and at the end of the day we are clearly seeing that it's a 2-3 round difference at this point and bahut zyada I would say यानी कि एक बैटल रहेगी फॉर द साइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट 9 टू एक्चुअली समहाउ कम बैक एंड यू नो गेट बैक दैट लीड सो आई मीन आई वांट टू नो हाउ यू नो दिल बी कम बैक की माय बैड यहाँ पे जैसे कि हम सब देख पा रहे हैं दोस्तों जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमें यहाँ पे जैसे कि इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है कि 1-2 का 4 जो टीम है वो जीत चुकी है बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन की तरफ से मिला कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर्स एंड रोबोक्स फर जिनको हम रोबो बुला रहे थे जो कि स्काई और रेज खेलते हुए नजर आए बहुत ही टंग ट्विस्टिंग नाम रखा है सो उसके लिए सलाम करना चाहूंगा बट यहाँ पे दोस्तों एमवीपी बन के ये प्लेयर ये खिलाड़ी नजर आ रहे हैं एंड एमवीपी बने भी क्यों ना वेल अभी के लिए प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलेंगे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर क्योंकि फर्स्ट प्राइज 5,000 रुपीज यहाँ पे उनके नाम जाता है सेकेंड प्राइज जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 9 को 3,000 1,500 थर्ड प्लेस पे जो भी होंगे उनके पास एंड एमवीपी 500 रुपीज साथ ही साथ जैसा कि हम सब जानते हैं कि एमवीपी को एक टीपी लिंक की तरफ से बहुत ही बढ़िया चमचमाता सा CAT वाईफाई राउटर भी मिलने वाला है एमवीपी को तो ये बहुत अच्छी खबर रोबो के लिए विक्ट्री 1-2 का 4 हो चुके सो चलिए स्क्रीन पे इस जगह पे हम यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे जो जीते हैं 10 seconds left जो भी दर्शक हमारे साथ है हम जरूर चाहेंगे कि आप लोग भी यहाँ पे चैट में या जहाँ भी आप लोग हो सेलिब्रेट कीजिए इस टीम की विक्ट्री को और बहुत ही बढ़िया प्लेस थे वी रियली एंजॉयड इट एज अ कास्टर एंड बहुत सारे ऐसे प्लेस थे जो कि हाँ छोटी मोटी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं बट दे डिड रियली वेल बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स यहाँ पे हमें उन्होंने निकाल के दिखाए दैट 1-6 का कमबैक ऑन द मैप ऑफ हेवन वॉज अ कमेंडेबल जॉब एंड वहाँ पे ही उन्होंने यकीन दिला दिया कि यस सर वी कैन डू इट स्प्लिट पे तो बस हेवन पे ट्रेलर था एंड स्प्लिट पे तो पूरा का पूरा पिक्चर दिखाने में ये टीम मौजूद थी बहुत ही बढ़िया गेम कांग्रेचुलेशंस टू द विनर एग्जैक्टली वेरी हार्टली वन टू का फोर द रेजिलियंस दे शोड मेड श्योर दैट दे गॉट द कमबैक ऑन हेवन एंड देन मेड श्योर दैट क्योंकि स्प्लिट उनका मैप है यस देयर वाज अ 6-6 हाफ बट उसके बावजूद डिफेंस पे कितना स्ट्रांगली वो डिफेंड कर सकता है वो चीज हमारे सामने उन्होंने दिखाई थी एंड यू नो जब भी आप कोई मैच खेलते हो यू ईदर विन और यू लर्न सो यहाँ पे 1-2 का 4 दे गॉट द विन
बट डिस्ट्रिक्ट 9 इज द वन जिन्होंने यहाँ पे एक लर्निंग हासिल करी है, तो वो चीज का इस्तेमाल जरूर आगे हमें करते हुए दिखाई देंगे. एंड आई वुड रियली वांट टू सी देम इन द फ्यूचर एज वेल, एंड आई वांट टू सी हाउ वेल दे हैव अडैप्टेड टू द सिचुएशन एंड हाउ स्ट्रांग कैन दे कम बैक इन दोज फ्यूचर मैचेस. जी बिल्कुल, लेकिन निराश नहीं होना आपको. अगर आप यहाँ पे हारे हो, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट, ये तो बस जर्नी की शुरुआत थी जहाँ पे आपने काफी सारी चीजें सीखी. सीखी ये कि कैसे किस तरीके से गेम पलटा जाता है, क्या वो मिस्टेक्स थी जिस पे वर्क करके एंड आप शायद गेम अपनी तरफ कर सकते थे. तो चलिए यहाँ पे आप लर्न कर रहे हैं, आप सेकेंड पोजिशन पे आए हैं. एस सी जी सी स्कोर कॉलेज गेमिंग क्लब की तरफ से एक इवेंट था जहाँ पे ऐसे ये स्पॉन्सर थे इंटेल, माउंटेन ड्यू, टीपी लिंक, एंड उसमें हम लोग सेकेंड पोजीशन पे आए थे. ये आप जरूर से आप जहां भी आगे जाओ कह सकते हो. ऑन द अदर हैंड वेल, विनर्स की तो क्या ही बात की जाए. 1, 2 का 4, आप तो छाती पीट के कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि यस वी वन द टूर्नामेंट. हमने इतने इतने प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, उन सबको हरा के इस यूनिवर्सिटी से हम यहाँ पे टॉप पे आए थे. तो आप तो बिल्कुल खुलेआम कह सकते हो एंड यू डिजर्व द विक्ट्री. ओपोनेंट्स, दूसरे जो टीम थी, निराश बिल्कुल नहीं होना. तो सो जब भी कभी भी आप किसी भी स्टेज पे जाइए, किसी भी प्लेयर को आप आइडल मानते होंगे, किसी भी प्लेयर को, कास्टर को, डिजाइनर को, आप किसी भी जगह पे किसी भी फील्ड में चले जाइए, अगर कोई प्लेयर ऊपर बैठा है तो वो बस एक दिन की मेहनत पे नहीं. सो इसीलिए हार मत मानिए, गिव अप मत कीजिए एंड यहाँ से आप आगे जरूर बढ़ सकते हो. वेल आई नो थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेशनल हो गया, बट यस यू शुड कैरी दैट मोटिवेशन बिकॉज गेमिंग इज नॉट अबाउट सिर्फ आप कितना अच्छा एम करते हो, कितना अच्छा आपका गेम सेंस है. मेंटालिटी भी एक चीज़ होती है जिसको आपको बनाए रखना होता है, क्योंकि जो चैंपियंस हैं वो एक दिन में बिल्ड नहीं होते, वो मिस्टेक्स एंड उन सबको रेक्टिफाई करके एक दिन आप विक्ट्री ज़रूर हासिल करोगे. सो यस, एवरीबडी प्लेड सो वेल एंड आई थिंक अब कुछ ही समय में हमारा जो अलविदा लेने का समय है वो यहाँ पे आ चुका है. वेल एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच टू इंटेल जिन्होंने टॉप ऑफ द लाइन बढ़िया से बढ़िया हार्डवेयर हमें दिए, माउंटेन ड्यू जो कि हमारे बेवरेज पार्टनर थे, नेटवर्क सपोर्टेड बाय टीपी लिंक, टॉप ऑफ द पेरिफेरल्स फ्रॉम टीपी लिंक एंड इन वॉलेट पार्टनर टैप टैप पावर्ड बाय वीजा. थैंक यू वेरी मच टू द स्पॉन्सर जिनकी वजह से ये इवेंट इतना अच्छा सक्सेसफुल हो पाया. थैंक यू एस सी जी सी फॉर गिविंग अस यानी कि स्कैडियट एंड एंकी शॉट्स यानी कि मी एन अपॉर्चुनिटी टू कास्ट ऑन दिस डेस्क इतने बढ़िया प्लेस को आप लोगों के लिए थोड़ा सा हल्का सा पिंच ऑफ रंग, जो हल्का सा रंग हम लोगों ने यहाँ पे डाला. आई होप आप लोगों ने उसे एंजॉय किया होगा. सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यहाँ पे आप आते रहिए बिकॉज ऐसे ही कॉलेज स्टूडेंट्स के टूर्नामेंट्स हम लेके आते रहेंगे. एंड विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक इट्स टाइम टू टेक लीव. पहले किसी ने नहीं किया है. Aircraft 1 ready to launch. तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे. तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा. एयरक्राफ्ट 2 इनकमिंग. वी हैव हिट एन एयर पॉकेट. माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है.